बेटा मैंने बनाया। हेलो जी, कोल्ड ड्रिंक। जोगिंदर पाजी, बधाइयां जी, बधाइयां जी, बधाइयां जी, बधाई आ गया जी। देखो एक बात तो है इंद्रपाल भाई साहब, माना बच्चों ने जो किया वो बहुत गलत था, पर इसमें से एक अच्छी बात तो निकली, हमारी बरसों की दुश्मनी खत्म हो गई जी। बिल्कुल सही किया जी। पाओ जब थी ठंड पहली जी। बिल्कुल जी, we should have done this much earlier. Yes, I don't need to ask my son. No, you don't need to ask your daughter. Never. ये रिश्ता हम पक्का करेंगे। पक्का जी, पक्का, पक्का जी, पक्का। जब भी बात हो जी, मजा आ गया जी, मजा आ गया। जी जी जी, आपका ही फोन है, लो। हाँ जी, हेलो, कौन? एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हेलो, बोलिए। अरे ओ इंद्रपाल जी, आपका एक लौता बेटा है ना, उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर मल्लू लोग उसकी शादी कर रहा है, एक मल्लू कुड़ी के साथ। जल्दी आओ, उसे रोक लो, नहीं तो अपने इकलौते बेटे की चकल कभी नहीं देख पाओगे। अरे ये सब क्या था? गुरुजी, पंजाब में काम करने वाला मलयाली लड़का था मैं। क्या कहा तूने? पंजाब में घर का काम काज करने वाला मलयाली लड़का था मैं, अब मैं यहाँ सर्कस में हाथी देखता हूँ। अरे तूने कहा क्या? वो सब मैं नहीं बोल सकता, पंजाबी में बोलूंगा तो पंच होगा। मैंने उनका काम तमाम करने का इंतजाम कर दिया। तुम्हारा बेटा जोगिंदर की बेटी के साथ नहीं, तो फिर? एक मल्लू लड़की के साथ भागा है। एनी प्रॉब्लम इंद्रपाल जी? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर बुला लिए दीपिका और रणवीर नो, उनको तकलीफ देने की क्या जरूरत है? आई थिंक वी कैन वेट फॉर अ व्हाइल। व्हाई वेट इंद्रपाल जी? द किड्स गेव अस अ सरप्राइज, लेट्स गिव देम अ बिगर वन। तुसी जी बस चिल मारो, अब तो बस डीजे करना और कार्ड छपवाना। हैप्पी वेड्स पम्मी, हैप्पी वेड्स पम्मी। लो जी फिर मुंह मीठा करो। यस। देख, ये तो उधर ही पिटेगा। अरे यार, देखो कैसे भगवान के कपड़े डाला है और चीप हरकतें कर रहा है इसे। आना आना, तुझे दिखाता हूँ। गुरुजी सीधे खड़े रहिए। देख, ये खत्म हो रहे थे, फिर दिखाता हूँ तुझे। बहुत बुरा ये। बाबूजान, अगर आप टायर्ड हो रहे हैं तो मुझे दे दीजिए। शादी कर लिया, नहीं तो खींच कर ऐसा दूंगा ना। शांति से बात करनी चाहिए, पता है ना कल रात को क्या हुआ था? उसने क्या कहा पता है? कुछ भी हो, और एक दमाद तो आना ही है ना, इन बीच में कम से कम एक तो अक्कल वाला है। कितनी चंगी डिजाइन है। यस। देखो साहब जी। क्या? ओए मुंह खोल के बता, बात क्या है? जो कुछ हमने सुना वो सच है। निकल गई सारी अकड़। हैप्पी की शादी किसी और के साथ हो रही है और पम्मी अब किसी और के साथ है। मैं उन को जिंदा नहीं देखना चाहता। चलो ठहरो बाजी, ये काम करने के लिए केरला में ही एक बड़ा टीम है, जोस ब्रदर्स। वो लोग ये काम आसानी से करेंगे। हाँ बताओ। फादर, मेरी शादी के साथ साथ मेरे माँ बाप का अंतिम संस्कार इसी चर्च में हुआ था। इसमें नई बात क्या है? तुम्हारा अंतिम संस्कार भी यहीं होगा। बात ये नहीं है फादर, मैं अपने बच्चों की शादी भी इसी चर्च में कराने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो क्या हुआ? पर मेरी बड़ी बेटी जीना ने किसी से अपनी मर्जी से शादी कर ली।
फिर तो तुमने भी शादी में सभी पकवान को उंगलियां चाट चाट कर खाया होगा, है ना? और पता नहीं क्या किया होगा। सुनो जोए, हम 1700 सालों से अपने धर्म का विधिवत पालन कर रहे हैं। तुम्हें कितने साल हो गए अमेरिका से आए हुए? जिस तरह लोगों में धर्म के लिए श्रद्धा और उसे ना छोड़ने की एकता है, तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है? फादर, मेरी बड़ी बेटी की शादी के बारे में आपने जो कुछ कहा मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दूसरी बेटी सोफी। तो तुम सिर्फ दूसरे को समझने वाले हो। अल्लाह के दरबार में मैं अपनी बेटी सोफी की शादी अब्दुल्ला के साथ कराने के लिए राजी हूँ। बोलिए अब्बू जान, क्या आपको कबूल है कि नहीं? तो अब्बा जान आगे बोलो। फादर, बच्चों के जज्बातों और उनके ख्वाहिशों को पूरी करने में मेरा कितना नुकसान हुआ है पता है? 499 रुपीज कैश ऑन डिलीवरी। 499 रुपीज ओनली? अरे तुम्हारा दाम नहीं बता रहा हूँ, ये कुर्ते का दाम है। सुनो जोई, हमारे बिरादरी में कोई बाहर के लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ता है। इतना ही नहीं, दूसरे बिरादरी को भी इजाजत नहीं है। हमारे समाज के ऐसे कानून को तुम समझते हो? पता है, पहली और दूसरी शादी में बहुत अच्छी तरह से मुझे और मेरे परिवार को पता चल गया है। और किसे समझ में नहीं आया है? ये हमारे समाज के बच्चों को समझ में आना चाहिए। आज के इन हालातों में हमारे समाज में जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हमें जौसर जैसे लोगों की जरूरत है। जौसर जैसे लोग हमारे साथ होने ही चाहिए। अब शादी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? तुम लड़की के पिता हो, चलो मुस्कुराओ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। स्माइल। सुनो जोई, पहले की दो शादियां मैंने माफ कर दी, अब तो तुमने उससे जाकर रिश्ता जोड़ा है जिससे भगवान के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है। तुम जैसे संस्कृति के लोग यहाँ बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हर साल होने वाली नाव की प्रतियोगिता में तुम्हारा खानदान ट्रॉफी देता है। अगर तुम्हारी लड़कियों को ले जाकर लोगों ने बंदी बना लिया ना जोए, तो तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है फादर। कोचरा मेमोरियल ट्रॉफी के नाम से हम इस प्रतियोगिता का नाम बदलने वाले हैं, ऐसा हमारी कमेटी का फैसला है। अरे बाप, अगली बार से ये प्रतियोगिता ठाकुर मेमोरियल ट्रॉफी के नाम से रखी जाएगी, ये हमने फैसला कर लिया है। फादर मुझे धोखा मत दो, हमारी संस्कृति और हमारे खानदान का नाम रोशन हो इसलिए मैं वो ट्रॉफी घर लाना चाहता था, तभी मैंने इतना सारा पैसा खर्च करके अपनी एक टीम तैयार कर ली थी फादर। जो भी हो, चर्च का नियम कानून है, लोगों को ये बात समझने दो। जोए, विश्वास से अगर कोई बड़ी चीज है वो है प्यार। ये तो है। हा? अगली प्रेयर का वक्त होते ही तुम सबसे आकर भिक्षा मांग लेना। जोए अब तुम जाओ। पर मैं ये कैसे कर सकता? कुछ भी मत कहो, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। ओ जीसस, इस बाप और इसकी बेटियों के बीच में कोई दरार पैदा ना होने देना। आमीन। हे ईश्वर, अपने बच्चों पर सदा दया बनाए रखना, पापियों को पाप से मुक्त करो, उन्हें क्षमा करो और उनके मन को शांति दो, अगर इस धरती पर रहने के काबिल बनाए। हे प्रभु, पूरे समाज के सामने मुझसे इस तरह भीख मंगवा कर मेरी बेइज्जती की, इसे मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। प्रायश्चित करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम उसे कभी नहीं आजमाओगे। फादर, वो आपको परेशान कर रहा है तो बोलो मेरे को। चुप रहो तुम, इसे इतनी देर से हिला क्यों रहे हो? ये लो, पकड़ो इसे। आप सबको पता चले इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी किसी से कोई गलती होती है उसे छोटी सी सजा मिलती है, लेकिन मुझे बिना किसी गलती के कई गुना ज्यादा सजा दी जा रही है। ये सजा भोगू इसके लिए मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जोए, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है, अब तुम्हारी समस्या क्या है? कुछ कह नहीं सकते फादर, हम भरोसा नहीं कर सकते। इस आदमी की एक और लड़की है, लड़की की शादी हो जाने के बाद ही इनके पाप का प्रायश्चित होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसके खाते में एक और पाप जुड़ जाएगा और प्रायश्चित और भी बड़ी करनी पड़ेगी। लंबे समय से मेरे पिता के नाम से चलने वाली नाव प्रतियोगिता का नाम आपने बदल दिया है ना, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? ओए सुनो जोए, 25 सालों से नाव की प्रतियोगिता चली आ रही है इस गाँव में, लेकिन आज तक एक बार भी तुम्हारी बिरादरी वाले इस ट्रॉफी को जीत नहीं पाए। साइमन जैसे के पास लोगों की फौज है, वो मिलकर नाव चलाते हैं, तो उन पर विश्वास किया जा सकता है, इसलिए हम इसके बोट क्लब के साथ खड़े हैं। सही कहा ना पीटर? सही कहा आपने, इस बार भी हम लोग ही ट्रॉफी जीतने वाले हैं। वो चारा बिरादरी की इस ट्रॉफी को ये साइमन ही जीतेगा।
कब जीतेगा साइमन? इस साल नाव प्रतियोगिता में ये जो एक कोचारा बोट क्लब का कैप्टन बनकर अपनी नाव को पानी में उतारने से पहले इसी चर्च में अपनी बेटी मैरी की शादी भी करा कर रहेगा। ये शपथ लेता हूँ। हाँ, तो पहले शादी करवा कर दिखाओ, फिर हम फैसला करेंगे कि ट्रॉफी का नाम बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। वो बात अलग है, भगवान तुम्हारा साथ दे ना दे। ईश्वर साथ देगा फादर। इस देश और समाज के लिए मैंने जितनी भलाई की है ना, उससे ज्यादा अहमियत अपने शपथ को देता हूँ। मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो ना, क्या बात है? उफ, जल्दी करो ना यार। ए, लाओ मुझे बात करने दो। जब देखो तो परेशान करते हैं। हाँ बेटी। हेलो पापा। कैसी हो बेटी, ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक। अच्छा बेटी, तुम पंजाब में रिसर्च खत्म करके सीधे दिल्ली जाओगी या दिल्ली जाने से पहले तुम यहाँ आओगी? मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है पापा, बस सोच रही हूँ कि पहले वहीं आने का प्लान करूँ। फ्लाइट मिली तो ठीक है, नहीं तो ट्रेन ही सही। अच्छा तुम अभी हॉस्टल में हो ना? क्या पापा, अब मैं बच्ची नहीं हूँ ठीक है, और ये वीकेंड है तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर पार्टी कर रही हूँ। कौन है? आप मम्मी को समझा दीजिए। प्लीज पापा। अरे मैं क्यों बताऊंगा उसे। थैंक यू पापा। हाँ बेटी। हाँ। जितनी चाहे तुम रिसर्च कर लो, लेकिन इस बार तुम्हें जल्दी घर आना ही होगा, तुम्हारी बहनें भी आ रही हैं। हाँ पापा, जितनी जल्दी मेरी प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगी मैं घर वापस आ जाऊंगी। इस बार आओगी ना तो मैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तुम्हारी शादी करने की सोच रहा हूँ। देखो इस बार तुम कुछ नहीं बोलोगी। हाँ ओहो, अगर ऐसी बात है पापा तो उस लड़के को अभी वापस भेज दो, मैं यहीं शादी कर लूंगी। वैसे भी मुझे सब कुछ पता चल गया है कि चर्च में क्या क्या हुआ था। अब जब आप पहले ही तय कर चुके हैं मेरे प्यारे पापा, आपकी चॉइस मेरी चॉइस, ठीक है? ओके चलो, ओके, मैं ओके, ओके, ए, रखना मत अभी, रखना मत फोन, रुको। अब क्या है पापा? गुड नाइट। गुड नाइट। ओके। इतने दिनों बाद ये लगा मेरी बात भी कोई सुनता है। पता नहीं कौन है। मैं खोलती हूँ। अबे कौन है, दरवाजा तो खोलो। पूरे पंजाब में सबको पता है कि मैं कौन हूँ। तुम पहली लड़की हो जो मुझे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। हैप्पी भैया, भाड़ में जाए। हे पंजाब में इतनी सुंदर लड़कियां होने के बाद भी तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे हमारे बीच कोई बहुत पुराना कनेक्शन हो। बट आई वॉन्ट टू स्पेंड माई रेस्ट ऑफ द लाइफ विद यू। मेरी, विल यू मेरी मी? डॉक्टर हैप्पी सिंह, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इस घोड़े को ही बहू बनाना पड़ेगा। अरे चाहे कोई भी लड़की हो, उसे जाकर सीधे बोल देना चाहिए। वैसे वो लड़की कौन है? माँ मजाक मत बनाओ, एक दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं उसे बोल कर रहूंगा। जरूर। मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे बचा ले। अरे शरद भाई क्या हुआ? अब तक किसी ने गोली चलाई कि नहीं? तुम लोगों ने जो लेटर लिखा है उसी का सीन चल रहा है। ओए हैप्पी। हाँ जी। व्हाट इज दिस? क्या ये? इनविटेशन टू डॉक्टर हरमिंदर सिंह एज अ गेस्ट स्पीकर एट द सेमिनार फॉर द प्रोसीजर्स ऑफ बर्थ कंट्रोल फॉर स्ट्रे डॉग्स इन केरला। केरला? पापा वो क्या है कि मैं व्हाट? वो जी, इसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी जिस काम में है या उससे जुड़ा प्रोजेक्ट है। अब अगर वो इत्तेफाक से केरला में हो रहा है तो इसकी क्या गलती? हम टीवी पर नहीं देखते क्या कि उनकी क्या क्या परेशानियां हैं? नहीं देखते क्या? देखते हैं ना। हाँ, 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 क्यों नहीं? देखा? हाँ,
ये भी देखता है। देखा है, देखा प्लीज आनंद भाई अन्नाटे ने कितनी बार कहा है आई डोंट वांट मलयालम स्पोकन इन दिस हाउस। वेटरिनरी डॉक्टर, कुत्ते बिल्लियों से डील करते हो, डील विद मेन। व्हाई कुडंट ही बी इन द आर्मी लाइक हिज फादर। तो इनकी तरह ही तो दिखता है, इसमें शक करने की क्या बात है। आई डोंट वांट एनीवन गोइंग टू केरला एवर। यू वांट टू गो टू केरला? इट्स ओके। यू वांट टू गो टू केरला? नो सर, आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी सर? Hey, Mallu, photographer. Yes, sir. Yes, sir. Shoot. You're going to shoot or I'll shoot? I'll shoot. Oh, very good, ji. Rob, dekho in logo ka. And look, when you make the poster, do Photoshop and put on the right Donald Trump, on the left Kim Jong-un. Oh, ji, ki idea East and West with Punjab is best. पूरे पटियाला को पता चलना चाहिए मेजर इंदरपाल सिंह की पार्टी की ताकत क्या है। ये क्या किया? अरे मरवाएंगे ये तो। सीधे सीने पर गोली डालती। ये तो किना तुंड नरच वेकेले ने यान कितने बारे में बोलता था। थी थी इतना बोलने के बावजूद भी मलयालम बोले जा रही है। इवड़े और फट्टी कड़ो में मलयालम फरे हम फाड़ लिया। समझ में आया क्या? भले ही ये केरला से नहीं है फिर भी इन्हें मोहनलाल पसंद है। इसका मतलब पुरानी यादें नहीं भूले। यही तो मुझे बोलना है, लेकिन मैं कैसे भूलूंगा? इनकी धर्म पत्नी तो कभी बोल नहीं पाती। पता नहीं पापा को माँ के मायके वालों से इतना परेशानी क्यों है। मेरी प्यारी लक्ष्मी, इस घर की देवी लक्ष्मी। तू तो रहने ही दे। किस तरह का सरदार है रे तू? अपने बाप के सामने नजरें मिलाकर बात करने की हिम्मत ही नहीं, शर्म आनी चाहिए। मुझे सब कुछ साफ साफ कहने की और आपके गांव देखने की बहुत इच्छा है, लेकिन पापा नहीं मानेंगे, ये आपको भी पता है। पुत्र, जिंदगी में कभी कभी कुछ फैसले खुद भी लेने होते हैं, इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हाँ, इसे और अच्छे से समझाइए। ओहो, तुम्हें बड़ा पता है इसके बारे में। निकम्मा कहीं का। उन्हें भी सिक्सर मार दिया, तू भी कोई कम नहीं है। अब क्या करने वाला है? तेरी तो ए, अरे बता तो सही क्या करने वाला है। अरे तू ऐसे वेटनरी डॉक्टर बनकर यहाँ वहाँ कुत्ते बिल्ली के पीछे कब तक भाग दौड़ करता रहेगा? कोई प्रोफेशन अपनाता फिर उसे प्रपोज करता फिर होता टिंगे टिंगे डक्का डक्का डिंगे डिंगे डक्का डक्का डिंग। जोरदार पंगड़ा पाते। एक यार अगर एक बार कोई पसंद आ जाए तो उसे तुरंत प्रपोज कर देना चाहिए। जो प्यार में हार गए वो तेरा साथ देंगे। फॉर एग्जाम्पल तेरी माँ, तेरे पापा। मैं जो कह रहा हूँ वो तेरे समझ में भी आ रहा है कि नहीं? बस कर, उतर अब। चलाना? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मुझे देखते ही जोगिंदर तलवार उठा लेंगे। इतना ही नहीं, हमने आर्मी से आने के बाद पार्टी शुरू की है, इस बात पे उनको बहुत गुस्सा है। चे, मतलब तेरे पापा बुलाएंगे तो भी परेशानी होगी क्या? इसकी बेटी को लेकर मैं वहाँ आऊंगा ना। क्या है कि उस लड़की के साथ मैं खड़ा रहूंगा। उस लड़की के चक्कर में रहेगा तो तेरा गला पक्का कटेगा। सुन, मेरे क्लिनिक के बाहर पोस्टर्स बना के चिपकाना है, उसके बाद तो मर गया चलेगा मुझे। समझ गया, अभी ज्यादा मेहनत मत कर, निकल यहाँ से। दीदी वेको वड्डी गण दीदी। चलानी है। ओ, की हो रहा है? पम्मी, ये कुड़ियों का खिलौना नहीं है, तू जाके किचन संभाल। चल ओए, इधर आ। तू सीखनी है तो चलानी। ले पढ़। ये ऐसे यहाँ से देख के इतना वधिया शूट मरवाएगा। ये अशरफ लाओ। शाबाश, वेरी नाइस। और एक बात, मेरे दोनों भतीजे अकलमीत और बिमल प्रेम जेल से बाहर आ रहे हैं। दोनों ऑनर किलिंग के लिए अंदर थे। ऑनर किलिंग? फोटो देखकर तो ऐसा लगा जैसे लोग मर गए। सर, आई विल लीव देन। एक मिनट, मेरा एक काम और करना है। तू ये तो मेरी बेटी पम्मी है। हाँ, पम्मी, इसे तो मैं जानता हूँ। और ये मैं हूँ। आपकी बेटी लग नहीं रही क्या?
बहुत बहुत अच्छा है सर। और ये मेरा होने वाला दामाद ऋषि राज सिंह है। ऋषि राज इनविटेशन में मैं इन दोनों के बीच में ऐसे दिखना चाहिए, आशीर्वाद देता हुआ, समझ गए? हाँ समझ गए। मैं ऐसा पहला लड़का हूँ जो अपनी ही प्रेमिका की शादी का पोस्टर बना रहा हूँ। मैं अरे देखना, अरे देखना, मुझे देख। तू टेंशन मत ले, मैं कोई सोल्यूशन निकालता हूँ। यहाँ देख, इसके जगह पर तू हो गया, बस तेरा प्रॉब्लम सॉल्व आउट ना, इतनी सी बात। ये देख वो कितनी बार फोन कर चुकी है, देख। मेरे शरद इज नॉट पिकिंग माय कॉल, अब मैं क्या करूं? तू ज्यादा मत सोच यार, काम डाउन। देख अब मैं चुप नहीं रहूंगा, तू एक काम कर, पंजाब में कुछ लोगों को इकट्ठा कर, उसके बाद उसे भगा के ले जाऊंगा। लोगों का इंतजाम कर लूंगा, और मान ले कि तू उसे भगा के लेके जाने के लिए आता है, तो पहले तुझे दीवार कूदना होगा, उनके सभी लोगों को चकमा देकर उसके कमरे तक पहुंचना होगा। पहुंच जाऊंगा। जैसे ही तू कमरे में कदम रखेगा, पहले तेरे गले पे, सर पे, कुल मिला के 24 गोलियां तो बरसेगी तुझ पे। बाद में तेरी फोटो लेके तेरे स्टूडियो में लगाया जाएगा। रेस्ट इन पीस। शादी के लिए तुझे से क्या मदद मांगू, तेरे सीने में दिल ही नहीं है। Why you मल्लू so heartless? आपको पता है ना, happy भैया loves you. मम्मी, happy is a very nice guy. पर मैं उससे शादी नहीं कर सकती। एक काम कर, इस घोड़े का फोटो यहाँ लगाकर फोटोशॉप पे सेट कर। हाँ, घोड़ा, happy is veterinary clinic. तुझे पता है? आजकल तू ना बहुत बोलने लग गया है। तू मुझे छोड़, तुझे मेरी कदर ही नहीं है। जा, जा, जा। बेचारा हैप्पी भैया, बेचारी मैं। अब तू कुछ मत बोल, ठीक है? मैं शरद को कॉल करती हूँ। अरे मेरी, हेलो शरद, मैं मैरी। क्या बात है, पम्मी ने तुम्हें फोन किया था और तुमने फोन नहीं उठाया? वो तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, वो अभी रो रही है। अभी मुझे जल्दी हॉस्टल भी लौटना है, तुम जल्दी वापस आओ। मैं हैप्पी हूँ। इतना कुछ बोलने के बाद भी तुम बोल रहे हो कि तुम हैप्पी हो, इसका मतलब तुम्हें इसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। तुम मर्दों की एक ही प्रॉब्लम है। अरे मेरा मतलब मैं हैप्पी हूँ, हैप्पी सिंह। तुम शरद को फोन दो। शरद थोड़ा ड्रंक है। तुम जैसे नालायकों की दोस्ती से और क्या फायदा होगा, नुकसान ही तो होगा ना। अगर हमारी बिरादरी का कोई मर्द ऐसा होता तो अभी तक उसको भगा कर ले जाता। ए शरद, शरद, अब मुझे जीना नहीं जाएगा यार, उसके बिना जीना मुश्किल है। क्या हुआ? मिस्टर हैप्पी सिंह, क्या बात है, अपुन को देख के तेरा होश उड़ गया क्या? कौन है तू? इतना जल्दी भूल गया, मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं हूं एकदम सीधा साधा स्वामी टाइप का, बट हूं एकदम टप्पोरी टाइप का। क्या? अबे उस लड़की ने तेरे इज्जत का कचरा किया, उसे तूने ऐसे कैसे छोड़ दिया? अब तुझे ऐसे छोड़ दिया ना, तू मेरा रेपुटेशन खराब करेगा, इसीलिए अब इसके आगे मैं हैंडल कर लूंगा, तू थोड़ा रिलैक्स कर। शरद, उठ शरद, अभी एक और फूल खत्म करूंगा, उसके बाद मेरे को चढ़ेगी। शरद, शरद, उसे मैं ला रहा था, मेरे पैर में गोली लगी, ढिसके आओ और मैं मर गया। कभी कभी आप बहुत कुत्ते भी हो सकते हैं, इसे सेफ्टी के लिए रखता हूँ। मम्मी,
प्लीज पिकअप, प्लीज पिकअप। मम्मी प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो मम्मी। अरे मम्मी मुझे मत मारो, मैं हूँ मम्मी। हेलो मैरी, तुम्हारे कहने पर बहुत होशियारी से मैं उसे उठा लिया। तुम अब क्या कहती हो? क्या कह रहे हो, उठा लिया मतलब? हैप्पी देखो मैं मजाक कर रही थी। कि अगर तुम्हारी बिरादरी के लोग होते तो उठाकर भगा लेते। अब आगे कुछ कहने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी से हॉस्टल से बाहर आओ। मैं हॉस्टल में नहीं हूँ, यही हूँ बेवकूफ। यहाँ कहाँ? मम्मी के घर में हूँ, यहाँ देखो। अब इज्जत के साथ उसे घर वापस ले आओ। हैप्पी मुझे बस उठा कर लाना ही मालूम है, चाहे तो तुम आकर लेके जाओ। अगर किसी ने पूछा तो बोल देना कि तुम दोनों वॉशरूम के लिए गए थे। उत्तर कितने जा रहे हो? अरे ये क्या कर दिया? मर तो नहीं गया? चल भाग। छोड़ो मुझे, किधर लेके जा रहे हो? अरे चलो भागते। अब हम क्या करेंगे हैप्पी? अब आगे कुछ सोच समझ कर बहुत होशियारी से एक प्लान। हेलो पापा, एक परेशानी है। अरे आराम से आराम से आराम से। रुक 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 रुक। बैक 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 नहीं, बैक नहीं, फ्रंट फ्रंट फ्रंट। ओके पैर पैर पैर। ओके अब आप सबको हैप्पी जर्नी, गाँव जाके फोन करना। तो तुम नहीं आओगे क्या? नहीं मैं नहीं आऊँगा, पापा मुझे मार डालेंगे। अच्छी बात है, तो तुम यहीं रुक जाओ हैप्पी। वैसे भी मम्मी के घर वाले तुम्हें ढूंढेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। अरे वैसे तुम थोड़ी लेके जा रही हो उन्हें, तुम तीनों को तो ये ट्रेन लेके जा रही है। हेलो पापा। अब हम सेफ है क्या? लड़की देखने आ रहे क्या? पापा अभी बुलाने की क्या जरूरत थी? पहले मुझे गांव तो पहुंच जाने दो, फिर बाद में किसी से भी शादी कर लूंगी। अब मैं ट्रेन में चढ़ गई हूँ पापा। हेलो। ओए हैप्पी कितना, मम्मी को लेके कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारा सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया है। अबे तूने क्या किया साले, तुझे बाबा के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए था। तू पम्मी को जल्दी लेकर आ जा, नहीं तो जोगिंदर तुझे मार डालेगा। अबे तू पम्मी को भगा लेके गया ऐसा जोगिंदर सोच रहा है? अब पापा के बारे में तो तू जानता ही है ना, अब इस हालत में केरला जाना ही हम दोनों की भलाई है। अबे तुझे जाना है तो तू जा, ये सब तेरे वजह से हुआ है। अच्छा सुन, मैं एक बात बोल देता हूँ, अगर ये ट्रेन मिस किया तो तेरे दिल की बात कभी मेरी से कहने का मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात मान, दो चार दिन उसके साथ सफर कर, इस बीच में तेरे और उसके बीच कुछ हो भी सकता है। तू फिल्में नहीं देखता क्या? नहीं नहीं देखता, इसीलिए तू इतना बड़ा बुद्धू है। चढ़ जा, द रेस्ट ऑफ योर लाइफ स्टार्ट्स हियर। जल्दी चढ़ जा, जल्दी भाग। Don't underestimate the power of a common sardar. Meenamma. बंद कर और अंदर जा। अकलमीत, विमल प्रेम।
मम्मी मेरे सबसे बड़े दुश्मन इंद्रपाल के बेटे हैप्पी के साथ भाग गई है। उस धी ने सारे पिंड के आगे मेरी नाक वट के रख दी है। तुम लोग जाओ अभी के अभी उन दोनों को ढूंढ के लाओ। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आओ। चलो चलो देखते हैं उन्होंने चारों तरफ ढूंढो तुसी उन्होंने छटांगे। चलो चलो बस स्टैंड रेलवे स्टेशन सब छान मारो। वो इस बस में क्यों नहीं है? ओहो परिया पीछे कंडक्टर को पूछो जरा वो ड्राइवर इधर आओ। ओए लपो लपो उधर ओए कंडक्टर जरा ये तो मोटा कुड़ी देखे कोई शहर तो बाहर जो निकले तो मैं थानू छटांगा नहीं। ओए चलो चलो आओ भागकर जा रहे हैं। भागकर जा रहे हैं वो सब ठीक है लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब नहीं तुम दोनों भाग रहे हो कोई बात नहीं लेकिन हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई आओ मेरी मदद करो मुझसे अकेले नहीं होगा। अरे सुनता नहीं क्या? जाओ कोई जाके इनकी मदद करो। तुम्हारा बेटा और जोगिंदर की बेटी भाग गए। गए? क्या कह रहे हो आप? ओ तेरी। अरे मेरी। अब आगे क्या करना है? मेरा लगेज नहीं ले पाई। ऐसा है हम स्कूल से टूर के लिए नहीं आए हैं हम भाग कर आए हैं। तुम लोगों की वजह से मैं अपना सर्टिफिकेट भी नहीं ला पाई। अगर उसे निकालने गए होते तो साथ साथ हमारा मैयत भी उठ जाता। Hi, hello. वैसे म्यूजिक बजाने में हैप्पी बड़ी माहिर है। क्या सच में? क्यों है ना रे? बजाएगा? चलो पम्मी तुम बोलो भैया को बोलो। हैप्पी भैया कर दो ना थोड़ा मूड हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा। प्लीज प्लीज मैं आए? श्योर। आई मालिनी आई एम किशन। ये गाना स्पेशली मेरी सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें कभी इतना खूबसूरत नहीं देखा एंड आई एम इन लव विद यू। यहाँ ये स्टाइल मैंने कई फिल्मों में देखा है मस्त है। नो इट्स सूर्या। सूर्या? अरे सूर्या का डायलॉग है क्या? नहीं रे तेरा बाप अमित शाह का। अरे वही तो मैं सोच रहा था कि तू इतना बदल कैसे गया। Hi, I'm Mary. I'm Irene. Okay, can I just try that? Okay, thank you. Completely forgot. Bye. Take care. Thank you. Stay safe. Hey, that's your train. You gotta run. Bye bye. तुम्हें ये अकेले कैसे छोड़ सकता था? कान
कोना कोना स्टेशन। अब इस सिचुएशन से हमें कौन बाहर निकालेगा? यहाँ से और कोई ट्रेन नहीं है, कल सुबह मडगांव से मिलेगा। क्या अब हम क्या करेंगे? हेलो पापा, कल पम्मी और शरद वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ मैं अभी गोवा में हूँ, बाकी बातें कल करेंगे पापा। मैं सेफ हूँ पापा, फिक्र मत कीजिए, मेरा फ्रेंड है यहाँ। ओके पापा। वैसे ये कौन सी जगह है? यहाँ कोई होटल नहीं था, फिर इस विले में पार्टी चल रहा था तो हमें परमिशन मिल गया रुकने के लिए। मुझे बहुत भूख लग रही है। लिसा और मैं अभी बाहर पार्टी मना रहे, ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, न्यूली मैरिड कपल, राइट? यस सर। तो फिर तुम भी ज्वाइन करो। ऑफ कोर्स सर। मैं तुम्हें कुछ पार्टी वेयर भेजता हूँ, ठीक है? इंतजार रहेगा, बाय। न्यूली वेड कपल? नहीं, वो स्टे करने के लिए परमिशन लेना पड़ा ना, तो उसके लिए छूट बोला। May I request all the lovely married couples here to renew their wedding vows along with them. तो फिर तुम्हें आर्मी ज्वाइन कर लेना था। अरे 5 बजे जागना, 8 बजे पीटी, 10 बजे परेड, ऐसे टाइम टेबल रख के जीना मुझसे नहीं होगा। ओहो, तो फिर व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ हैप्पी? मैं अपनी जिंदगी में बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये एक्साइटमेंट को शेयर करने के लिए मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए। यही सब है मेरा ड्रीम। वैसे मेरी का ड्रीम क्या है? I always wanted to be a dancer. तो फिर डांसर क्यों नहीं बनी? I usually end up choosing safe options. हर मामले में। हमारी जिंदगी को define करने के लिए कुछ अहम चीजें हैं। उसे हासिल करने के लिए हमें hard work और sacrifice तो करना ही पड़ेगा। ऐसी मेरी सोच है। तब मैंने आखिरी बार जिसे देखा मेरी? वो था पंजाब के सरसों का साग और मक्खी दी रोटी बना कर देने के लिए, और केरल की अच्छी सी मच्छी सलान और अच्छा सा चावल बनाने वाली, और कभी कभार मुझे 2 पैग पिलाने वाली, ऐसी एक लाइफ पार्टनर चाहिए। मेरी, विल यू मैरी मी? बाबा मैंनू दीदी नू देखना है। वो अब हमारी जिंदगी में नहीं है दिल्लू। अपने आप को संभाल, विश्वास रख, मैं छोड़ूंगा नहीं उन दोनों को। युद्ध के आह्वान का समय आ गया है। क्या सोचा उस इंद्रपाल ने? जोगिंदर कमजोर है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। परिवार दी शान लाई खून करना कोई पाप नहीं है। जो बोले सो निहाल। सर में बहुत दर्द हो रहा है, आज से पहले मैंने ये कभी नहीं पिया। मैं कंप्लीटली ऑफ हो गई थी। आई डोंट रिमेम्बर अ थिंग। तो मैंने सीरियसली जो बोला तुम्हें कुछ भी याद नहीं? किस बारे में हैप्पी? हैप्पी, आई कैन नॉट फॉल इन लव विद यू और एनीबडी एल्स। मेरे माँ बाप जिससे शादी करने को कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। तो क्या हुआ, मुझे सिर्फ अपना धर्म ही बदलना होगा ना? अरे ऐसे कैसे धर्म बदला जा सकता हैप्पी? यू हैव टू बी बॉर्न लाइक दैट। और इतना ही नहीं हैप्पी, तुम्हारे माँ बाप और हमारी फैमिली के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते ही रह जाएंगे। मेरी ये सब मैं ठीक करवा दूंगा, मुझे सिर्फ तुम्हारी हाँ सुननी है। इतना काफी नहीं है हैप्पी, हमारे दोनों माँ बाप को राजी होना पड़ेगा। बिना माँ बाप के इजाजत के धर्म बदल कर शादी कैसे कर लेंगे? अरे मैं तो पहले से एक हाइब्रिड खानदान से हूँ, मैं तो पहले ही हाफ क्रिश्चियन हूँ। तुम्हारे खातिर मैं पूरा क्रिश्चियन हो जाऊंगा।
मेरी मेरी प्लीज प्लीज मेरे खातिर पापा से बात कर लो ना। तुम रास्ते से हटो। मेरी तुम समझाओगे तो पापा जरूर मानेंगे। हेलो, काम करके परेशान हो गई हूँ मैं। कौन हो? हम लोग मेरी के फ्रेंड्स हैं। बेटी, मेरी का फ्रेंड्स आया इधर आपको मिलने को। अरे वैसे नहीं चिल्लाना चाहिए था ना मुझे। कौन है? मेरी दीदी के फ्रेंड्स लोग आए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बेझिझक आ जाओ। तुम किसी बात की चिंता मत करो, यहाँ तुम लोगों को पकड़ने कोई नहीं आएगा। इसके बाद भी अगर कोई आ गया तो हम लोग उन्हें बता देंगे कि हम लोग भी क्या चीज है। आ जाओ, दोनों अंदर आ जाओ। अरे यहाँ पर भी बंदूक ही है। तुम लोग यहाँ आराम से रहो, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। क्या जात बिरादरी से बाहर शादी करवाने में माहिर है हमारे माले। ए, तू अंदर जा, अंदर जा और कुछ पीने के लिए ला। तुम लोग क्या पियोगे, चाय या कॉफी? एक लस्सी। नहीं, 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 सुनो, नहीं, नहीं, सुनो क्या? एक लस्सी बनाना। ठीक है। वो बगीचे के पार वो मेरे भाई का घर है, वहाँ तुम्हारे रहने का सारा इंतजाम कर रखा है। यहाँ खाना वाना खाकर फिर हम लोग वहाँ पर चलेंगे। जी जी। ये क्या? ये मेरे पिताजी के द्वारा बीच समंदर में मछली पकड़ते वक्त हासिल किया गया कछुए का कवच है। पारंपरिक अमानत के तौर पर हम इसे संभाल कर रखते हैं। अरे पूछो मत बच्चों, ये इनके लिए सोने से ज्यादा कीमती है। ऐसे बोलेंगे तो समझेंगे नहीं ये, वो समुद्र के। पम्मी को मलयालम भी आती है, मेरी ने सिखाया। ऐसी बात है। वो और उसके फ्रेंड गोवा से ट्रेन पर चढ़े हैं, ऐसा उसने फोन करके बताया। चलो अच्छा है कि साथ में फ्रेंड्स हैं। हाँ, फ्रेंड्स साथ में है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। हैप्पी, पिछले 10 महीनों से तुम मेरा पीछा कर रहे हो, है ना? मैं एक सवाल पूछूं, तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो? नापसंद होने की क्या वजह है? मेरी फैमिली के बारे में तुम क्या जानते हो? मेरी बहन और उनके पतियों के बारे में तुम्हें क्या पता होगा? अगर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है तो तुम्हें उन सब के बारे में जानना होगा। हेलो, मेरी बड़ी वाली बहन जीना, वो एक आईटी प्रोफेशनल है। इंटरव्यू खत्म हुआ क्या? अरे यार, मीटिंग में हूँ। मीटिंग में हो? हाँ। ठीक है ठीक है, डिस्टर्ब कर दिया। मैं रिट्टू जितेंद्र वर्मा, बहुत बड़े राजपूत खानदान के है। अरे आपने बोला था मीटिंग है। अरे मीटिंग नहीं, ईटिंग कह रहा था मैं। तो फिर आप अभी इंटरव्यू के लिए नहीं गए थे? आप काम पे नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, बस मुझे प्यार कीजिए। आप ऐसे ही बैठने से अच्छा अंदर कुछ कपड़े पड़े हैं, उसे प्लीज आप धो दीजिए। और दूध लाना, और फिर वो सूखे हुए कपड़े हैं ना, उसे घड़ी करके प्लीज रख दीजिए। इतना सारा काम करने से अच्छा है इंटरव्यू के लिए चला जाऊं। नहीं, मना कर रही हो तो रुक जाता हूं। बहन नंबर 2 सोफी, हमारे परिवार की फैशन फ्रीक। ये कैसी आवाज है? बहुत तकलीफ से गुजरने वाले एक पेशेंट को नाइसली हैंडल किया है बेबी। जिससे शादी की, उसका नाम है इकबाल, हकीमों के खानदान में पैदा हुआ आखिरी वारिस। बड़े अब्बा जान, एक्सक्यूज मी। क्या बात है? जरा अंदर आइए। हाय अंकल। चलो प्लीज बोलो। आपको तो पता ही होगा किसी शख्स के शरीर में रीढ़ की हड्डी के पास से आने वाली कौन सी नस को गले के पास पकड़कर दबाने से शरीर को बहुत आराम मिलता है। वैसे मैंने एक नस इनका दबाया है। इसका गर्दन मुड़ गया है, कितनी बार का है अपना हाथ मत लगाना। मेरे थियोरेटिकल नॉलेज को जरा सा प्रैक्टिकल तो करना ही है। बैठिए बैठिए, डरने की बात नहीं, अब तुम ठीक है। तो फिर मेरे पैसे? ओनली 500। 2000 कहा था? 2000 नहीं चाहिए, 500। 2000 देने का वादा किया था, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे कोई समस्या नहीं है। उसने पैसे का लालच देकर मुझे यहाँ बुलाया और मेरे शरीर को बिगाड़ दिया था। अरे इकबाल। इकबाल। उसके बाद एनी दीदी, जय न्यूज में काम करने वाली और साइबर की जंग लड़ने वाली, मैरिड टू। आप ही हो ना वो एडवोकेट राणा कुंडा? राणा कुंडा नहीं बे, राणा दुबे। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए मेरी परमिशन नहीं है। क्या बात है दोस्त, क्या समझ रखा है मुझे? एसी लगवाने के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। तो क्या बुरी बात है, एक खरीद लो ना, गर्मी बहुत है। अपनी पार्टी की पॉलिसी है, पहले की टेक्नोलॉजी को ही परमिशन देनी है। झूठा खाओगे क्या? इस बार ना पापा ने हमें भी ईस्टर के लिए घर पे बुलाया है। तुम्हारे घर में? मैं वहाँ जाकर मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। वहाँ वो लोग भी आने वाले हैं क्या? एक तो पहले से ही इतने सारे झमेले हैं, ऊपर से ये नया ड्रामा। उसके बाद इन दामादों के बीच रहकर बहुत परेशानी उठाकर भी मेरे लिए अपने सपनों के मुताबिक एक अच्छे लड़के को ढूंढने का सपना देखा। मेरे पापा जो भी कहते हैं उसी को फॉलो करने वाली मेरी माँ, इन सभी को तो हम मना लेंगे, लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद भी कर लिए, यहाँ रहने के लिए तुम्हें तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। हैप्पी, तुम्हारे पंजाब जैसा यहाँ कुछ भी नहीं। मेरी माँ की तरह
ये जगह भी बहुत सुंदर है। ए, यानी यानी हाँ यहीं पे रख। हाय शरद। हेलो। आओ आओ। वो मेरे चाचा जी का घर है, तुम शरद के साथ जाओ, मैं घर जाकर आती हूँ। चलो बढ़िया। हाँ। अरे अरे रुक एक मिनट, अभी आया। सुनो। अच्छा वो हमें बात करनी है ना जाके। अभी तुम जाओ, मैं उन्हें सब कुछ आराम से बता दूंगी। फिलहाल जाकर कैथलिक में धर्म बदलने पर ध्यान दो, हम दोनों बाद में उनसे मिलेंगे, ठीक है? ओके ठीक है। बोल दिया क्या? सिर्फ बोला ये। चाबे मम्मी किधर है? मम्मी वहाँ कुकिंग सीख रही है, आ जाओ कम ऑन। अच्छा जिस बात पर हम चर्चा नहीं कर सकते वो है सबरीमला पल्ली और पार्लियामेंट सत्ता के बारे में। जिस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं वो है जायदाद और पहाड़ के नीचे जो फ्लैट है उसके बारे में। हैप्पी भैया प्रपोज़। अरे प्लीज आराम से, मैं बताती हूँ ना। तुम्हारा दूसरा फ्रेंड कहाँ है? मैंने नहीं देखा। हाँ माँ, सब लोग ईस्टर में आएंगे। हाँ बारिश के बाद ज़्यादा मुँह मत खोलना अपना, ठीक है? प्रयाग नंदन क्या है? दामाद के साथ प्रलय के बारे में चर्चा करनी है या फिर बाढ़ के बारे में नहीं करनी है? हाँ आप ये बेकार की बातें करके उनका मूड खराब नहीं करना। ओ तुम भी बहुत होशियार हो। बैठो बेटी। शरद कहाँ है? वो दोनों मिलकर शरद के माँ बाप से बात करने गए हमारे शादी के बारे में। ठीक है ये लो बेटे। अपना वो काकू है ना, वो आजकल अमेरिका से यहाँ आया हुआ है, आ रहा है यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए। क्या हुआ बेटी? पापा वो नहीं चाहिए, मुझे अमेरिका नहीं जाना। ठीक है काकू उसे पसंद नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो। पापा। हाँ मम्मा। हाँ मुझे किसी और ने प्रपोज किया है। तो तुम भी अपनी बहनों की तरह ही निकली, अब हमें लड़का देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बोला है पापा, बिना आपकी मर्जी के मैं उसे ओके नहीं बोलूंगी, ये आप जानते हैं। उसका नाम क्या है? हैप्पी। गप्पी? नहीं पापा, हैप्पी। हैप्पी वो क्रिश्चियन है क्या? हाँ थोड़ी बहुत। कैथलिक क्रिश्चियन है? हाँ। ओह माय गॉड ये तो नाइंसाफी है। ईश्वर बचाओ। तब 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 राइट 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 आजाओ आजाओ कम ऑन राइट 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 राइट। जॉयसर कलरफुल दिख रहा है ना? हाथी का क्या कलर पूछना, वो तो पूरी तरह से काला है। काला भी तो कलर ही होता है ना। ये सीढ़ी लगाकर क्यों उतर रहे हो? हाथी की सूंड से भी तो उतर सकते हो ना। मुझे अपने हाथी को किसी के सामने झुकाना पसंद नहीं है जॉयसर। ओहो वैसे ये पुलिस वाला कौन है? पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए ना सर, इसलिए इसको भी सारे ट्रैफिक रूल सिखा कर ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर को रखा है। काकू इस हाथी पर तुम कब से घूम रहे हो? वो मामा ने जीना से शादी करवा देने के लिए कहा था लेकिन कुछ और ही सीन हो गया। सोफी से शादी करके सेफ होना चाहता था, वो भी नहीं हो पाया। एनी का भी हाथ नहीं मिला तो फिर हथरी खरीद ली। अगर मेरी नहीं मिली तुम्हारी भी चलेगी क्या? तू पहले हाथी को लेकर जा और चारा खिला। चल निकल निकल यहाँ से, रुकना मत, चल यहाँ से। अरे ये कौन है जॉय सर, पहले नहीं देखा? पम्मी अपनी मेरी की फ्रेंड है, ये काकू है। क्या कुकू? कोको नहीं, ये तो बच्चों के खेलने की चीज है। मेरा नाम काकू है, काकू फ्रॉम अमेरिका। ये लड़की पंजाबी है। हाँ। एक मलयाली लड़के से शादी करने के लिए यहाँ आई है। हाँ। और मैं इन दोनों की शादी करवाने जा रहा हूँ। देख के लगा के बाहर का चेहरा है। ऐसी सिचुएशन में घर छोड़कर चले आना ठीक है क्या? बताओ पम्मी साइको हो क्या? मतलब मतलब यहाँ बाहर निकल कर यहाँ का नजारा देखा है क्या? मेरे पास हाथी है, तुम चलोगी क्या? हाथी पे? हाँ हाथी पे, हाथी मेरे साथी। अरे इसी बात पे मुझे याद आया, मेरा साथी कहाँ है? मेरी कहाँ है? वो अंदर है। अंदर है। चलो मेरी। तुम्हें पता है मेरी, पिछली बार जो मैंने धोखा खाया था उस दर्द से मैं आज तक बाहर नहीं आ पाया हूँ। कभी ना कभी एक दिन वापस आएगी, मैं ऐसा सोच रहा था। लड़की का हाथ एक बार मांगते हैं पर मेरा तो ये चौथी बार है। मेरी मुझे अपना लो। काकू तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना? अच्छा मुझे और भी एक प्रपोजल आया है। काकू तुम्हें मुझसे बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी। छोड़ो भी, मेरे लिए कोई भी लड़की ढूंढकर नहीं लाया, सिर्फ मुझे तसल्ली देते रहते हैं। काकू तुम ये बात किसी से मत कहना, मैं किसी भी तरह से पापा को मना लूंगी। तुम मेरा साथ दोगे ना?
मेरी, डू यू नो बेबी, पिछली बार जब मैं केरला से बाहर गया था तब मेरे अपने लोग यहाँ गांव में आई बाढ़ में डूब रहे थे, तो मैंने अमेरिका के अपने स्विमिंग पूल में गले तक पानी में डूबकर 3 दिन तक दुख जताया था, लेकिन किसी और के साथ तुम्हारी शादी मुझे और दुखी कर देगी। उस दिन जो ड्रेस पहनी थी क्या वो फिर से तुम पहनोगे? कौन सी ड्रेस? वो भैंस बदलने वाली। भैंस बदलने वाली? प्लीज। थैंक यू। गुरुजी, आपने फिर से कुर्बानी दे दी क्या? कुर्बानी तेरा कुत्ता देगा। कौन है वो जिसने मेरी मैरी को प्रपोज किया? काकू ने अब तक वेट किया, लेकिन अब काकू किसी का वेट नहीं करेगा। तो क्या आत्महत्या करोगे? अरे ऐसा कुछ नहीं यार, डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, गुड इवनिंग पम्मी। क्या बे छोटू, मेरी मैरी को प्रपोज करने वाला कौन है रे? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो? मुझसे कोई नहीं बच पाता। मेरे ही इलाके में आकर पोको चैनल देख रहे हो? बताओ कौन है वो, बताओ जल्दी। मैं कह रहा हूं बताओ। तुम्हें भी उसके बारे में जानना है? वो पंजाब का शहर है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। पंजाब के लोगों के बारे में सुना भी है? क्या है ऐसा? पंजाब के लोग बहुत दिलेर होते हैं। जोगिंदर सिंह। लेकिन जोगिंदर सिंह को भी काट कर रखने वाला एक ही आदमी है, इंद्रपाल सिंह। हाँ, और इस इंद्रपाल सिंह का इकलौता बेटा है देवराज प्रताप सिंह उर्फ हैप्पी सिंह। कौन है ये? साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। जिंदगी में सारे मजे कैसे करोगे? नहीं साडे नाल। हाँ साडे नाल। साडे नाल। साडे नाल। नहीं नहीं, ये हम दोनों के बीच में आग भड़का रहा है। सच में साडे नाल नहीं हूँ, मैं तो जा रहा था। चलो चलता हूँ। बाय। ये जल्दी हाथी को लेकर। गुरुजी, गुरुजी, रुकिए। उनकी बातें सुनकर भाग क्यों गए गुरुजी? अरे उसने पंजाबी में क्या कहा पता है? कुछ करने जाएंगे तो इश्यू हो जाएगा। अपने देश में दंगा करना ठीक बात नहीं है। अच्छा सुनो, सड्डे नाल रोगे तो ऐश करोगे, सड्डे नाल रोगे तो ऐश करोगे, ये तो गाना है। ओ, तो उसने गाना गाकर डराया है। अब ये गाना गाकर डराना उसे भारी पड़ेगा। यही तो कहना चाहता हूँ। हे ईश्वर, आज के शुभ दिन हम सभी यहाँ आपकी मेहरबानी से एकजुट हुए हैं। आमीन। हमारे बीच कभी कोई दरार पैदा ना हो, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। ऊंच नीच हुई हो तो उसके लिए मैं ईश्वर से क्षमा मांगता हूँ। ये लो। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर रहमान है। बहुत टेस्टी है ना? अरे इसके अंदर ये क्या डाला है? माँ हमेशा ऐसी करती है, दूध के अंदर बीज डालकर मजाक करने की आदत है। करेक्ट करेक्ट, इस साल का बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा। माँ जी ये नहीं चाहिए मुझे, आप ही रख लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, इसे जमीन में डाल दूंगी। ऐसे डालोगी तो नहीं उगेगा, कुछ कौवे आकर नोच ले जाएंगे इसे। अब्बा जान, आपने कौवे का नाम क्यों लिया? यहाँ कौवे की जगह पर आप किसी जानवर का नाम ले सकते हैं। जानवर? जानवर को बीच में क्यों ला रहे हो? अगर जानवर बीच में आता है तो तुम्हारा क्या जाता है? अगर कौवा आ गया तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या जाता है जानवर के नाम से? मैं भी सहमत नहीं हूं। तो क्या तुम्हें ना जानवर चाहिए ना कौवा, उस बीज को मैं खुद खा लूंगा, ठीक है ना? अब शांत हो जाओ। हां ठीक है। टू द फैमिली। टू द फैमिली। यहां इकबाल, तुम क्यों नहीं पी रहे हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना अम्मी। आप भी नहीं पी रहे? डॉक्टर ने मना किया है। लो। अरे इतना काफी है मेरे लिए, आप ले लो। हमारी पार्टी अलाउ नहीं करती है। कल सुबह हमें मंदिर जाना है, इसलिए इनको ठंडे पानी में 21 डुबकी लगाना है। ठंडे पानी में 21 डुबकी लगाना बहुत मुश्किल है ना? सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तकलीफ से ज्यादा तो दर्द होता रहेगा। चाहे जो भी हो, तुम लोगों का जो सुन्नत होता है उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। तुम सुन्नत के बारे में क्या जानते हो? हाँ। वो सब तो बचपन में ही करवाना पड़ता है। बचपन के अलावा बड़े होने पे करने पे बहुत दर्द होता है ना ससुर जी? मुझे क्या पता है? तुम लोगों को इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? हाँ। कार्ल मार्क्स ने जो कहा था ना कि धर्म ही इंसान को उलझा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा था। इस फालतू टॉपिक को बंद करो। ए, छोड़ना ये सब बातें। अगर तेरा कुछ अपना हो तब बता, वरना झगड़ते रहेंगे हम। इसीलिए तो मैंने ये बात बोली। हमारे बीच में जो भी बात हो, तुम्हारा क्या काम? मुंह बंद रखो, तुम अपना काम नहीं करते। बिगड़े उससे तुम्हारा क्या?
माँ मुझे बांगड़ा मच्छी खानी है। वो तो शायद नहीं है। नहीं है? नहीं है? अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, कर ले आऊंगा। सुबह सुबह जाकर बहुत सारी बांगड़ा मछली खरीद कर ले आता हूँ मैं। किसी दिन क्लास लगा। कुछ दिनों से मैंने उस मार्केट में जाना ही छोड़ दिया। वो क्यों पापा? अरे अपनी बिरादरी का वहाँ कोई भी नहीं है, सब अलग अलग बिरादरी के हैं। पापा जी क्या बोल रहे हो आप, हर बात की एक लिमिट होनी चाहिए ना। क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया? अबू जान आप तो रेसिस्ट हो। क्या रेपिस्ट? इस बारे में मुझे नहीं पता। तू अंदर जा। तुम अंदर जाओ। कितनी बार कहा है मुझे अब्बा जान कहकर मत बुलाया करो। अबू जान वो अमेरिका वालों के आक्रमण के खिलाफ मैं अकेला खड़ा था, क्या इसलिए मैं एक रेसिस्ट हूँ? शांत हो जाओ ना। मुंह बंद रखो तुम। सुना क्या बोला उसने, मेरी चार बेटियां हैं, उनमें से पहले तीन बेटियों को मैं दूसरे धर्म वालों को दान कर चुका हूँ और कह रहे हैं कि मैं रेसिस्ट हूँ। पापा आपने हमें दान में नहीं दिया है, हमने हमारी मर्जी से शादी की है। ऐसे आदमी को रेसिस्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो फिर मैं एक रेसिस्ट हूँ, रहने दो ऐसे ही। तमाशा क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से। अब तुम लोग खुश हो गए ना? हाँ भर गया ना पेट सबका, सबने मिलके उनका दिल दुखा दिया। सबको चैन आ गया ना, भगवान पर भरोसा रखने वाले उस आदमी को हमने इतना परेशान किया। हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से। अरे मैंने क्या किया? आप लोगों की वजह से पापा उठकर चले गए। जाओ जाकर उनको मना कर लेके आओ। कम से कम सब लोग साथ में बैठ के एक डिनर भी नहीं कर सकते। सही है, ससुराल में भी यही हाल है और यहाँ पे भी यही हाल है। चलो तुम लोग साथ में। गुरु जी आप फिल्म बनाने वाले हो? कौन सी फिल्म बनाओगे? ब्रह्मचारी की शादी। अब सब सही करता हूँ, काम बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया पर से उसका नंबर निकालता हूँ। हैप्पी सिंह, अभी सरदार को फिर से पंजाब भेज देता हूँ। गुरुजी उससे होशियार है ना, पंजाबी बड़े शातिर होते हैं। देख अब तू मुझे डरा मत यार, तुझे तो उनको डराना चाहिए, मुझे थोड़ी। मैंने क्या डराया आपको, मुझे जो बोलना था वो बोल दिया। अगर हम वार करेंगे तो वो भी हम पर वार करेंगे ना, अब उसके लिए हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। उसकी सुपारी कहीं दे दो क्या? छे उसके लिए तो बहुत सारा पैसा लगता है बेवकूफ। हेलो, मैं बल्ले बल्ले। व्हाट? मैं केरला से, कुमार कंटी राव काकू। दिस इज नॉट केरला। कायल है। हाय। अरे क्या बकवास कर रहे हो? ओए मां, रॉन्ग नंबर। खाओ बेटा, मैंने बनाया। हेलो जी, कोल्ड ड्रिंक। ओ जोगिंदर पाजी, बधाइयां जी, बधाइयां जी, बधाइयां। मजा आ गया जी। देखो एक बात तो है इंद्रपाल भाई साहब, माना बच्चों ने जो किया वो बहुत गलत था, पर इसमें से एक अच्छी बात तो निकली, हमारी बरसों की दुश्मनी खत्म हो गई जी। बिल्कुल सही किया जी। पाओ जब थी ठंड पै गई जी। बिल्कुल जी, वी शुड हैव डन दिस मच अर्लियर। यस, आई डोंट नीड टू आस्क माय सन। नो, यू डोंट नीड टू आस्क एट ऑल। नेवर। ये रिश्ता हम पक्का करेंगे। पक्का जी, पक्का, पक्का जी, पक्का। जब भी बात हो जी, मजा आ गया जी, मजा आ गया। जी जी जी, आपका ही फोन है, लो। हाँ जी, हेलो, कौन? एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हेलो, बोलिए। अरे ओ इंद्रपाल जी, आपका एक लौता बेटा है ना, उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर मल्लू लोग उसकी शादी कर रहा है एक मल्लू कुड़ी के साथ। जल्दी आओ उसे रोक लो, नहीं तो अपने इकलौते बेटे की चकल कभी नहीं देख पाओगे। अरे ये सब क्या था? गुरुजी पंजाब में काम करने वाला मलयाली लड़का था मैं। क्या कहा तूने? पंजाब में घर का काम काज करने वाला मलयाली लड़का था मैं, अब मैं यहाँ सर्कस में हाथी देखता हूँ। अरे तूने कहा क्या? वो सब मैं नहीं बोल सकता, पंजाबी में बोलूंगा तो पंच होगा। मैंने उनका काम तमाम करने का इंतजाम कर दिया। तुम्हारा बेटा जोगिंदर की बेटी के साथ नहीं, तो फिर? एक मल्लू लड़की के साथ भागा है। Any problem इंद्रपाल जी? No problem. No problem. फिर बुला लिए दीपिका और रणवीर नो। उनको तकलीफ देने की क्या जरूरत है? I think we can wait for a while. Why wait इंद्रपाल जी? The kids gave us a surprise. Let's give them a bigger one. तुसी जी बस चिल मारो, अब तो बस डीजे करना और कार्ड छपवाना। Happy words, Pummy. Happy words, Pummy. लो जी फिर मुंह मीठा करो। Yes. देख, ये तो तेरी पीटेगा। अरे यार, देखो कैसे भगवान के कपड़े डाले और चीप हरकतें कर रहे हैं। आना, आना तुझे दिखाता हूँ गुरुजी। सीधे खड़े रहिए। तेरी देख। ये खत्म हो रहे थे, फिर दिखाता हूँ तुझे। बहुत बुरा ये। बाबूजान, अगर आप टायर्ड हो रहे हैं तो मुझे दे दीजिए। शादी कर लिया, नहीं तो खींच कर ऐसा दूंगा ना।
चुप। शांति से बात करनी चाहिए, पता है ना कल रात को क्या हुआ था? उसने क्या कहा पता है? कुछ भी हो, और एक दमाद तो आना ही है ना, इन बीच में कम से कम एक तो अक्कल वाला है। कितनी चंगी डिजाइन है, यस। देखो साहब जी। क्या? ओए मुंह खोल के बता, बात क्या है? जो कुछ हमने सुना वो सच है। अरे मैंने कहा ना मैं खींचता हूँ। पकड़ना इसे। अरे मैं खींच रहा हूँ ना। खींच इसे। अरे खींचो ठीक से। तो मैं खींच लूंगा, पीछे हटो। निकालो बड़ा सपनी। मदद करो। हाँ खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ। निकल गई सारी अकड़। हैप्पी की शादी किसी और के साथ हो रही है और पम्मी अब किसी और के साथ है। मैं उनको जिंदा नहीं देखना चाहता। चलो ठहरो बाजी, ये काम करने के लिए केरला में ही एक बड़ा टीम है, जोस ब्रदर्स। वो लोग ये काम आसानी से करेंगे। हैप्पी, आई एम इन केरला। I've come to this stupid place after 25 years only because of you. I do. Just finish them off. ये आप क्या कर रहे हो? गलत हो गया, मेरा सारा हिसाब किताब गलत हो गया, सब तुम्हारी वजह से। लड़कियों को ढंग से पाला होता तुमने। सुन लिया तुमने, चारों लड़कियों को अपने चर्च की संस्कृति के हिसाब से बड़ा किया है। दिख रहा है तुम्हारी पढ़ाई दूसरे जात धर्म के लोगों से ही शादी करने के काम आई है। यहाँ हमारे लड़कियों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। क्या कहा, सुना ना? हे ईश्वर, सुनो मेरी बात समझो। वो लड़का अपना धर्म बदलने को तैयार है। अरे धर्म बदलने से क्या होगा, वो कभी कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं बन सकता ना। कैथोलिक परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। सबके सामने वादा किया है, पर इस नाव प्रतियोगिता में मेरी नाक कटने वाली है। मेरे वादे का कोई महत्व नहीं है, गांव वाले ऐसा कह के मुझे ताना मारेंगे। हे ईश्वर क्या करूं, तुमने मुझे चार लड़कियां तो दे दी, कम से कम एक कैथोलिक दामाद तो देना चाहिए था ना। सुनो ये बात केवल हम जानते हैं, गांव वालों को पता चले उसके पहले हम उसे समझा बुझा लेंगे। सेंट थॉमस चर्च के फादर से जाकर मिलोगे क्या काउंसलिंग के लिए? क्या पता वो हमें कोई सही रास्ता दिखा दे। एक बार जिंदगी में कोई सही काम करेगा तू। पता है जोगिंदर ने तेरे टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया है वहाँ पे। सुनिए अब जो होना था सो हो गया, तो हमें ससुरकाल चाचा। आखिरकार सब एक हो गए ना, समझाना पड़ेगा। इंद्र चाचा चाची माफ कर दीजिएगा, हैप्पी भैया ने कोई गलती नहीं की है। यू नो ही इज लाइक माय ब्रदर। हैप्पी यहाँ सिर्फ हमारी शादी कराने के लिए पंजाब से आया है, वो तो बस मैरी से शादी करना चाहता है। चाचा एक बार मेरी से मिल लो ना, अच्छी लड़की है वो। बेटा व्हाट विल आई टेल जोगिंदर, वी फिक्स्ड योर वेडिंग बेटा। चाचा शरद और मैं शादी करना चाहते हैं। Without you, we cannot. You're our only hope, चाचा. Please, चाचा, मदद कर दो, please. पंजाब में हर किसी की मुसीबत में मदद करने वाले हैं ना ये? अब मतलब बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। अबे ओवर एक्टिंग मत कर। Okay, I'll speak with your father. पापा वो You shut up. जितनी जल्दी इनकी शादी होती है उतनी जल्दी
तुम पटियाला वापस लौटोगे. That's an order. I don't know how I get into these things. कहाँ है वो पंजाबी? हाँ? ए, उस तरफ जाकर देखो. बाहर निकल. अरे वो रहा. पकड़ो. इसके चेहरे से. ये कौन सा बंदर है? ये वो आदमी नहीं भाई. तो फिर ये हमें देखकर क्यों भाग रहा था? बाप रे, जब कोई घर पे नहीं था तो मुझसे मिलने आया. मेरा दोस्त है ये. ये तुम्हारा लगता क्या है? ये मेरा टिकटॉक फ्रेंड है. टिकटॉक फ्रेंड? जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है ना, वो फोन पर वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर डालते हैं. ओ अच्छा. तुम लोग सिर्फ टिकटॉक के फ्रेंड हो या फिर कुछ और भी लफड़ा चल रहा है तुम लोगों का? ये हैप्पी सिंह किधर है? हाँ, मुझे पता है सर. मुझे जहाँ भी दिखेगा मैं आपको बता दूंगा. सच बोल रहे हो? हाँ. तो चलें. माँ, आपने किससे बात करके मेरी और पम्मी की शादी फिक्स की? तेरा और पम्मी का भागने वाला सीसीटीवी फुटेज पूरे पंजाब में वायरल हो गया. तो क्या शादी नहीं करेंगे? माँ, अब पटियाला लौट कर भाभी को जरा कूल करो ना. सिर्फ मेरा और मेरी की शादी. अरे पागल, इसीलिए तो हम दोनों शॉपिंग जा रहे हैं. ऐसा क्या? पुत्र, तेरे पापा तो शादी के लिए राजी हो जाएंगे. लड़की वाले राजी होंगे? अरे वो सब मैं कैसे भी संभाल लूंगा. नारियल पानी पीते हैं. मेरे लिए भी बोलना. हाँ बोलती हूँ. अरे यार, इतना कॉम्प्लिकेशन है तो नहीं चाहिए रिलेशनशिप. तुझे तो हैप्पी बे के लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है. वो समझ पाएगा? मम्मी, अगर हैप्पी को समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, पर मुझे समझाएंगे तो मैं नहीं समझूंगी. क्या? हाँ? हाँ? क्या वो चेहरा तो दिखाओ. हाँ? क्या? You should ask your sisters to help you. मेरे पीछे दो बहनें हैं. ये सोचकर ही मैंने धर्म से बाहर शादी कर ली. अरे ये एक बड़ा मैटर हो गया है. मेरे पीछे दो छोटी बहनें भी हैं बलि का बकरा बनने के लिए, इसीलिए मैंने शादी की. हमारे कम्युनिटी में शादी करने के लिए मेरी है, इसीलिए मैंने बाहर शादी कर ली. प्यारी बहन, जैसे हमारी शादी हुई तुम्हारी नहीं हो सकती. तुम्हें पता है, पता है पापा की इस वजह से कितनी बदनामी होगी? ओह गॉड. तुम हमेशा पापा से कहती थी ना कि मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी के बंदे से ही शादी करूंगी. अब क्या हुआ? लेकिन मेरी जो तूने किया गलत है, बहुत गलत है. तुम तीनों की शादी तो मैंने ही साथ करवाया था. अब मेरी बारी आई तो तुम सब पीछे हट रहे हो, है ना? जा रही हूँ मैं. चली गई है वो. वो पहली बार तो कुछ मांग रही है, हमें उसका साथ देना चाहिए. इसके लिए हमारे पतियों ने भी तो साथ देना जरूरी है ना. उन्हें हम लोग कुछ ना कुछ बोलकर अपने साइड में कर सकते हैं. ये नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकते. तुमको समझना चाहिए, हम लोग अपने खानदान के सामने अपना ये मुंह कैसे दिखाएंगे. इस शादी के लिए मैं राजी नहीं है. इकबाल, अपना मनहूस शक्ल लेके अंदर जाओ, काम करो जल्दी. जल्दी. बुड्ढा हम लोगों को अलग करके ही रहेगा. कैसी जगह शादी कर ली मैंने, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है. कूल सोफी, कूल. मैं बड़े पापा को किसी भी तरह से समझाकर मामला ठीक कर लूंगा. तुम्हारे बड़े पापा की बेटी की शादी के लिए थोड़ी हम पंजाब से यहाँ शादी करने की बात कर रहे थे. नहीं ना, मैं क्रिश्चियन हूँ, तुमसे शादी करके यहाँ पे अच्छे से रह रही हूँ ना. तो फिर तुम्हारे बड़े अब्बू को इतनी क्या परेशानी हो रही है? सडनली तुम ऐसे जाने की बात करोगे तो मेरा क्या होगा? मांग लिया मैंने शादी के लिए, दो दिन अपने मायके होके आती हूँ. मुझे जाने के लिए परमिशन तो दे सकते थे. वो छोड़ के हमेशा झगड़ा ही करते रहते हो तुम. इतना झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? और जब तुम्हारे रिश्तेदारों की शादी होती है तो एक एक महीना रह के आते हो तुम. जा रही हूँ मैं. सुन लो, तुम एक दिन बड़े पापा के लिए मुझे छोड़ दोगे? तुम रुकूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ. धीरे बोलो, अब्बू जान को सुनाई देगा. हाँ, उन्हें सुनाई दे, इसीलिए मैं इतना चिल्ला रही हूँ. अगर वो समझ गए तो ही मुझे बुलाने आना, वरना रहने देना. सोफी, अब क्या है? कुछ नहीं, आराम से जाके आओ. इकबाल कहाँ है? कैसी जगह शादी कर ली मैंने. मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी मुझे फोन मत करो, मैं नहीं आऊंगी. मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी. चलो बच्चों, कुछ खा पी लो, तुम लोगों के लिए मछली बनाई है. एक दो तीन चार, सब आ गए.
सुन मेरी, हम लोग हैं तेरे साथ, मम्मी डैडी को हम लोग कन्विंस कर लेंगे। देख, हम सब बहनों में तुम्हारी शादी सबसे अच्छी होगी। आखिर ये अननोन नंबर हो किसका सकता है? हेलो, जितेंद्र वर्मा स्पीकिंग। हेलो साडू भाई, मैं इकबाल कादरी बोल रहा हूँ। क्या इकबाल, इस वक्त क्यों फोन कर रहा है ये? हाँ बोलो। साडू भाई, बात क्या है ये बताओ। भाभी घर पे हैं क्या? नहीं है, कोई काम है क्या? नहीं। तो फोन रखो क्या? एक मिनट, जाओ यहाँ से। वैसे मैं तुम्हें खुद ही फोन करने वाला था, अच्छा हुआ कि तुमने फोन कर दिया। अब एक फैसला लेना है। हाँ, एक काम करना, वो बड़बोला है ना, उसे भी अपने साथ ले आना। अरे भाई, मैं भी यही कॉन्फ्रेंस कॉल में ही हूँ। सब सुन रहा हूँ मैं। तुम समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब था बड़ी बड़ी बातें करने वाला। सब समझ रहा हूँ मैं। देखो, आंखें बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा, अगर ये पंजाबी हमारे घर में घुस गया तो हम सबके लिए बहुत नुकसान होगा। यही तो, अब अपनी पत्नियों को समझा कर वापस कैसे ला सकते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ सोच कर फैसला तो करना ही पड़ेगा। तो हमें कुछ करना होगा, वरना जीना आराम हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, किसी भी हालत में। मेरे प्यारे गुंडे भाई लोग, बताई हुई जगह और बताए हुए वक्त में ये ठीक पहुँच जाएगा। सर पर मत मारना, मारोगे तो उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिर पे उसने पगड़ी पहनी होगी। ठीक है गुरुजी, अगर हम उसकी पगड़ी चुरा लें तो? तो इतना नीचे गिर जाएगा कि किसी की पगड़ी चोरी करेगा, सीना दिखा कर वीर योद्धा का सामना करना चाहिए। भाई जी, वो भाई जी कहेगा तो तुझे मार ही डालूंगा। अब नहीं गुरुजी, वो बोले गए वक्त में पहुंच जाएगा। एक दूंगा ना, इसीलिए तो मैंने हाथी को भेजा है मसलने के लिए, और मेरी को भी वार्निंग दे दी है। या तो फिर वो मुझे मिलने क्लब में आएगा और ये लोग उसका काम वहीं पर तमाम कर देंगे। तुम लोग काम पे निकलो। ओके ब्रो। ठीक है। वो दाढ़ी वाला पागल लग रहा है मुझे तो। सही कहा गुरुजी। सर ऑर्डर। मुझे एक पाइनएप्पल जूस चाहिए सर। और मेरे लिए एक लाइम जूस। आपका? एक कोला ले आना। ओके। और साथ में 2 30-30। सिर्फ 30 से क्या होने वाला है, रम मंगा लेते हैं। सही कहा तुमने। अरे साडू भाई, आप भी दारू पीते हो? जब कोई खास बात हो तो जूस से बात बनती नहीं है ना, इसीलिए। सिर्फ अकेले पियोगे तो कैसे चलेगा? क्यों, एक 30 से क्या होगा, पूरा बॉटल मंगाइए। हाँ, तो एक कोला ले आना और साथ में फुल ले आना। तुम्हें रम चाहिए? रम नहीं, वो नहीं चाहिए। रुको, कोला मुझे नहीं जमेगा, जूस के साथ पी लूंगा। हमें उसके साथ ऐसा बर्ताव करना है कि वो खुद सामने से बोले, बस करो बाबा, आप तंग मत करो मुझे। जो भी तुम बोल रहे हो उसे ओपनली समझाओगे क्या? वैसे हम लोग ओपन टेबल पे बैठे हैं इसीलिए ना। अरे वो तो उसका काम तमाम करने के लिए हम सब बाद में बोलेंगे ना। ऐसी बात तो पहले से हम मना कर देंगे ना। साडू भाई, चिकन खा रहे हो? वो क्या बात है ना, जब खास बात करता हूँ तो चिकन की जरूरत पड़ जाती है मुझे। जरूरत पड़ती है। सॉस ले लूं क्या सर? हाँ ले लो। ओके, थैंक यू। मैंने इसे कहीं देखा सा लगता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि इससे पहले मैं भी शायद इसे कहीं देख चुका हूँ। अरे यही वो लोग हैं जो सोफी के मामले में मुझे मारने आए थे। मैं जब जीना के पीछे जा रहा था तब ये मुझसे भी टकराया था। हाँ हाँ, चलो पता करते हैं। चलो चलो, एक हाथ देख ही लेते हैं। ये चोरों के जैसे क्यों भाग रहे हैं? अरे अबे, क्या मुंह देख रहा है मेरा, जाके मार उनको।
हम तो इसी की बात कर रहे थे ना। गुरुजी। हाँ बोल बे, क्या हुआ? लगता है मामला हाथ से निकल गया। मैं आऊँ क्या? सरदार जी सबकी धुलाई कर रहे हैं गुरुजी, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो विजयवाड़ा वाली आंटी के घर जा रहा हूँ, तू आएगा क्या? गुरुजी आपके लिए यही फायदेमंद होगा, या फिर मैं अपने पुराने काम पे लौट जाऊँ। चलो चलो। पाजी बात ये आएगी कि मैं उधर से आ रहा सीगा। भाई हम सब एक ही घर के हैं। हाँ, हिंदी में थोड़ी बहुत पंजाबी सानू भी आंदी है। हम तीनों का पिछला हिसाब किताब शेयर करने के चक्कर में देखा ना इनका दम, मानना पड़ेगा। हमारे साथ ये भी जुड़ेगा तो मजा आएगा। थैंक यू। हम लोग मैरी के जीजा हैं। हाँ जीजा हैं। अच्छा हम अच्छा ओके ओके पता है। जो भी हो तुम्हारे तो अच्छा हुआ। एक आदमी से जो काम नहीं होता वो साथ में मिलके हो जाता है। मैंने सही कहा ना? आज के बाद तुम भी हम में से एक हो, और तुम चाहो तो मेरी से शादी कर सकते हो। हम तीनों भी यही चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? कुछ भी कहो, पंजाब कश्मीर और केरला सब मिलकर एक साथ रहेंगे। कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। क्या हो गया है हैप्पी? बस थोड़ी सी चोट लगी है, ज्यादा कुछ नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। We will take care of him. वो तीनों भी गर्म पानी से मसाज ले रहे हैं। क्या जरूरत थी जानबूझकर भिड़ने की हैप्पी? उनके बीच क्यों चले गए? बीच में क्यों गया था? अरे उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए गया था, उनसे जान पहचान भी तो बढ़ानी थी। अम्मी अब मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। ये पकड़ो, अब तुम काम करो। तू तो मसाज के नाम पर मजे ले रहा है, चाय तो और ले ले। तुम्हें दर्द हो रहा है हैप्पी? अगर एक किस मिलता तो अच्छा, तो इसकी क्या जरूरत थी? केटरिंग, शामियाना और स्टेज डेकोरेटिंग, ये सब मैंने खुद जाकर सेटल किया। बिल भी उसमें है। ये लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं ना। मेरी ये लड़की ठीक मेरे बाप पर गई है, बाकियों की तरह नहीं है ये। मेरे एक शब्द के खिलाफ इसने आज तक कभी आवाज नहीं उठाया। अरे मेरी अभी भी उसी तरह है, वो हमेशा यही कहती है कि आपकी इजाजत के बिना शादी नहीं करूंगी। अभी हाँ, एक जमाना था जब मैं परंपराओं के खिलाफ हमेशा लड़ता रहता था, और अब उन सभी बातों को सोचता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी संस्कृति, मेरी आस्था, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे बच्चे, मेरे दामाद, मेरे पोते, सारे परिवार के साथ मिलकर मैं चर्च में एक बहुत बड़ा मेला रचाने की सोच रहा हूँ। गलत है क्या? नहीं तो हाँ, तुम्हारे माँ बाप भी हमारी तरह होंगे। मेरे पेरेंट्स का टेंशन मत लीजिए, मान जाएंगे। और वैसे आपके खातिर मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। इतना ही नहीं, हमारे जो बच्चे होंगे उन्हें भी मैं क्रिश्चियन धर्म में पालेंगे। क्या है क्या है, है? तुम दोनों मिलकर मुझे अमरीश पूरी बनाकर छोड़ोगे क्या? पहले से ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। अगर ऐसी बात है तो कल के नाव के कंपटीशन की ट्रेनिंग सबके साथ मिलकर कीजिए, थोड़ा और प्रेशर कम हो जाएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे खुश करने के लिए तुम इस नाव की चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हो, बट नाउ यू आर रियली एंजॉयिंग दिस ट्रेनिंग, है ना? अब सच कहूँ तो एक अच्छे कैथोलिक लड़के के साथ मुझे मेरी की शादी करनी है, ये मेरी समस्या नहीं है। इस वक्त की समस्या है ये ट्रॉफी। इस बार हम जरूर जीतेंगे कप, मैं हूँ आपके साथ। अब सच कहूँ तो
यहाँ हर जगह हर वक्त यही चर्चा चल रही है। कभी कभी जब मैं घर में उदास बैठा रहता हूँ ना, तो नाव की प्रैक्टिस और चैंपियनशिप की बात मुझमें जोश ला देती है। आपके परिवार में तो सब खुश रहते हैं, फिर आप इतने उदास क्यों हो? कौन सी खुशी, दामादों के साथ मेरी अच्छी नहीं जमती है, इसलिए बच्चे भी घर पर आते जाते नहीं, जब उनकी खुशी हो चले आते हैं। मैंने उन सब की शादी करवा दी है, इतनी ही खुशी बहुत है, अब तो सोते भी अलग अलग कमरों में। मैं एक बात कहूँ क्या, ये जो आपका प्यार है हम पे, इसे एक्सप्रेस करना सीखो। ऐसी बात है? हाँ, रिलेशनशिप में सबसे जरूरी चीज होती है टच। व्हेन यू टच समबडी, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इट मेक्स अ डिफरेंस। कभी ट्राई करके देखो अंकल, जरा आजमा के देखो मैजिक स्पार्क है कि नहीं। इस बुढ़ापे में मुझे तू बदनाम करवाएगा। नाव जरा साइड पर लगा, मैं यहां उतर जाऊंगा। हाँ। संभाल कर। अच्छा हैप्पी, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगे ना? उसके लिए आप एक मौका तो दो। हाँ ठीक है ठीक है, तुम समझ लो मैंने तुम्हें ये मौका दे दिया। चैंपियनशिप से पहले शादी करवा देते हैं, यहाँ के चर्च में शादी करने के लिए वो लोग नहीं मानेंगे, हम किसी दूसरे कैथोलिक चर्च में जाकर शादी करवा देते हैं। लोगों को देखने तो दो जोई का ये सरदार क्रिश्चियन दामाद कौन है, देखने दो लोगों को। अब तुम जाओ यस, इसे संभाल कर छोड़ना, और एक बात अपने पापा को बता दो, वो आकर मुझसे मिल लें। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। मेरी इधर आ, रिजिया एक बात बताना है। सुनो, शादी का जोड़ा तैयार कर लो। क्या? तुम्हारे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। हैप्पी, तेरे पापा ने हाँ कर दी है। क्या? तेरी शादी के लिए पापा मान गए हैं बेटा। ऐसा क्या? यस। तुम्हारी और मेरी की शादी मैं तेरे पापा को देता हूँ। हाँ, देती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। Whatever. हाँ हैप्पी। हाँ पापा। हाँ, अब माँ और बेटे दोनों कान खोल के सुन लो। हाँ जी। अगर तुमको मेरी मर्जी से शादी करनी है तो I have a condition. It will be a Punjabi wedding. And Mary will have to become a Sardarni. So happy? Are you happy? अरे हैप्पी भैया था, जॉयसी अंकल और इंद्रपाल चाचा दोनों के दोनों शादी के लिए मान गए। अरे ये तो कमाल की बात है। नहीं चलो, हमें और भी तो काम है। चलो हमें एक जगह जाना है। कौन है ये लोग? रीटा बेटा, बेटी को ले आओ यहाँ। ये लीजिए, ये आपके लिए है। आप सब दो ना। ओह थैंक यू। कांग्रेचुलेशन अपचा। थैंक यू। रोका के दिन हमारे यहाँ गिफ्ट देना बड़े गर्व की बात मानी जाती है। लोटा? वो लोटा नहीं, रोका है अपुजन, पंजाबी शब्द है। पंजाबी। वैसे हम शादी की तारीख की सारी बातें तो फोन पर कर ही चुके हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब हम फूड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फूड शुड बी पंजाबी ट्रेडिशनल। देखिए ये कैसे हो सकता है, हमारी बिरादरी वालों को रसम, अपम, फिर बांगड़ा मछली और कुछ पीने वीने का भी मन करेगा। इसलिए क्यों ना हम खाने में फ्यूजन करें सभी इलाके का कुछ। वही केरला स्टार्टर में और पंजाबी मेन कोर्स में रखते हैं तो अच्छा रहेगा। पंजाबी साइड डिश और केरला डिजर्ट्स कैसा रहेगा? हमारे ऐसा कंफ्यूज्ड मेन्यू नहीं होता। इनकी बात मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो समझ सकते हैं। अच्छा आइए आपको घर दिखा देते हैं। आइए ना। चलिए चलिए। अच्छा आइए। घर से निकलते ही प्लीज कुछ दूर चलते ही आइए। घर की दीवार बोलते हैं। आओ आओ आओ। चलो चलो। आजा। बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। जाओ जाओ उनका आशीर्वाद लो। जीती रहे पुत्र।
थैंक यू सो मच पापा, आप इस शादी के लिए मान गए। इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। ब्यूटीफुल। ये अपनी फुलकारी है ना पंजाब की? वाओ ऑसम, यू नो इट, आई शुड हैव मेट यू इन पंजाब इंस्टेड ऑफ हैप्पी। ये सारा इसका फॉल्ट है, यू शुड हैव टोल्ड मी। यस पापा, वैसे भी हैप्पी का कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा कमजोर है। थोड़ा नहीं, वेरी बैड। लेट्स हैव अ सेल्फी, चलो। पंजाबी स्टाइल, पंजाबी। बहुत सही लड़की है, वेरी नाइस गर्ल, पर उसका परिवार, there was nothing पंजाबी अबाउट द रोका। मेरे लिए गिफ्ट तक नहीं दिया। अरे पापा, आगे से जो भी होगा सब पंजाबी होगा। I will make sure। हाँ पुत्र। चाहे तुम कुछ भी करो पर उसे एक सरदारनी बनाना होगा, नहीं तो वो तुझे अपना वो नौकर बना के रखेगा, वो जॉयसी अम्मई अपन का वो अड़ी मैं। अरे क्या बोल रहे हो? अरे पापा, शादी से पहले मैं मेरी को सरदार नहीं बना दूंगा, मेरी गारंटी। हाँ? चलो और नहीं तो क्या। हाँ? इसका सारा इंतजाम मैंने एक गुरुद्वारे से बात करके रखी है। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पापा। पापा को तुम्हारी शादी से कोई एतराज नहीं है बेटा, अपने मन में कभी कोई मलाल मत रखना। थैंक यू सो मच पापा। पंजाब के चर्च में रखवाएं या अपने चर्च में हैप्पी की धर्म बदलने की रस्म? That's my Winchester rifle. Careful, it's loaded. I'm from the army. Oh. What is that? What? मैं धर्म बदलूंगी ऐसा मैंने कहा था क्या? तुम क्रिश्चियन बनोगे, ये शादी क्रिश्चियन रस्मों से होगी, यही हमारे बीच बात हुई थी। मेरी आई एम रियली सॉरी, पापा को राजी करने के लिए। अब उन लोगों के सामने मैं झूठी हो गई ना? इस तरह झूठ बोलकर हम शादी कैसे करेंगे हैप्पी? क्या मतलब? हम कुछ और ट्राई करके देखेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे तो? मेरी, अब हम इतने आगे बढ़ गए हैं, अब तो सिर्फ दो ही फंक्शन बाकी है। इसे मैं कुछ भी करके संभाल लूंगा। उसके पहले आई एम श्योर किसी एक को तो मैं कन्विंस कर ही लूंगा। शादी हो जाने के बाद मैं उनके पैर में गिरकर उनसे माफी मांग लूंगा। हैप्पी, मेरी प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मॉली, तुमने जो वॉइस मैसेज भेजा था वो मुझे मिल गया है। इसमें मैं तो नहीं फंसूंगी ना? ए, तुम इस मामले में किसी से बात मत करना। उसने दोनों को बेवकूफ बनाकर शादी करने की हिम्मत की है, अब दिखाता हूँ उसको। शाबाश बेटा। शुक्रिया। ये सगाई और धर्म बदलने की रस्म एक साथ हो जाती तो थोड़ा मुश्किल कम होता, अब साथ में शरद होता तो मेरा हिम्मत और बढ़ जाता। हिम्मत मत हार, हम लोग है ना तेरे साथ। उसको हनीमून अच्छे से एंजॉय करने दे, तेरी प्रॉब्लम क्या है ये बता। अरे कैथलिक लोगों में दो रस्में होती है, एक सगाई और एक इजाजत लेने की रस्म। ऐसे ही हम पंजाबी लोगों में भी दो रस्में होती है, कुरमाई और मेहंदी। कुरमाई? हाँ, जैसे तुम्हारे इधर इजाजत लेते हैं, हमारे यहाँ पे कुरमाई होता है। ओके, अगर एक हिसाब से देखें तो दोनों धर्मों की रस्में एक जैसी हैं, और हम कौन कौन सी रस्में कर रहे हैं अगर ये बात किसी को पता ना चले तो हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। क्यों, तुम लोग मानते हो ना? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक सुपर आइडिया है। मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। वो क्या है कि सारा मामला थोड़ा हौच पौच रहेगा। ये सब रस्म होने के टाइम में दोनों के पापा वहाँ नहीं होने चाहिए। अगर गलती से भी हुए तो हमारा पूरा प्लान गड़बड़ हो जाएगा, पूरा लक के ऊपर है। अरे साफ साफ बताओ। इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ये इधर देखो, ये मलयाली, ये सब पंजाबी। उफ, अरे यार लगता है इधर भी कलर का इशू है। अब ये मलयाली हैं और ये पंजाबी। ठीक है। हाँ, ओके। ये लाल रंग की गोटी तुम्हारे पापा जी, और ये सफेद रंग का स्ट्राइकर हमारे ससुर जी। ओके, अच्छा ओके। ठीक से समझना, यहाँ हो रही है कुरमई और यहाँ है कैथलिक रस्म। हाँ। तो इन दोनों को मिलाने के लिए अब दोनों को समेट लेते हैं। रस्मों के दौरान वहाँ दोनों बिरादरी मौजूद होंगे। यस, उस दिन सुबह कैसे भी हमारे ससुर जी को वहाँ से हटाना होगा।
और तुम्हारे अब्बा को यहाँ रुका के वो कौन सा कुर्मा था? कुर्मा नहीं, कुर्माई। हाँ कुर्माई, तो फिर कैथलिक रस्म। अरे हमारे ससुर जी समझेंगे कि कैथलिक रस्म हो रही है और उसके पिताजी समझेंगे कि पंजाबी रस्म हो रही है। रस्में निभाते वक्त हम लोग वहाँ लोगों को पहले से ही सेट कर लेंगे। इंद्रपाल जी को हम बाद में बुलाएंगे, वो पूछेंगे तो कह देंगे कि मेहंदी की रस्म हो रही है। ओके। उसके बाद ससुर जी को बुलाकर चंदन वाली रस्म दिखाएंगे। ये बताने के लिए तुम बाहुबली के सारे डायलॉग्स बोल रहे थे? तुम लोगों को समझाना था ना, तो इसलिए मैंने कैरम बोर्ड का सहारा लिया। इसके दिमाग की बत्ती देर से जलती है। अरे इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मामला हाथ से निकल गया तो? हेलो गांधी जी, तुम्हें शादी करनी है ना? जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो। प्लान के सक्सेस के लिए हमारी सास रीटा जी और हम सभी दामाद लोग और हमारे बिरादरी के कुछ लोग सबको साथ जोड़ना होगा। हाँ वो काम हम कर लेंगे, लेकिन पंजाबियों को तुम्हें संभालना है। हैप्पी, वो मुझ पे छोड़ दो। तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, ये दोनों रस्म निभाने के बाद हम सबका दिल जीत लेंगे, ये मेरा वादा है। फिर भी अगर दोनों के दिल नहीं बदले तो? प्रिय दर्शन क्लाइमेक्स, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। अरे तुम्हें कितना भी समझाओ फिर भी तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं जलने वाली है। अरे ये कैसा एग्जांपल दे रहे हो तुम? अरे यार बातों के बीच बीच में कभी कभी हंसी मजाक करना पड़ता है। तुम चलो यार, अगर यहाँ खड़े रहेंगे तो ये फिर से कंफ्यूज करेगा। चलो यहाँ से, अब मुझे पूरा क्लैरिटी है। बॉल को रोको। क्या कर रहा है? बॉल को पानी में क्यों फेंका? गुंडा कर दी तो आप दिखाता हूँ। हाँ क्यों बे, बहुत दिनों से मेरे साथ खेल खेल रहे हो ना, आज मैं दिखाता हूँ खेल कैसे खेलते हैं। लेडीज लोग अंदर चले जाओ, खून खराब होने वाला है यहाँ। खून खराबा? हाँ खून खराबा होगा। अभी ज्यादा फालतू की बात मत कर, काम की बात कर। अभी मेरे जॉयस और रीटा मैडम को धोखा देकर तुम लोगों ने मेरी की शादी एक पंजाबी लड़के के साथ करने का प्लान किया है ना। ये काकू जब तक जिंदा है ना तब तक ये हर किस नहीं हो सकता। काकू क्या करेगा? आज मैं सबके सामने हकीकत बताकर तुम लोगों की पोल खोल दूंगा। एक मिनट, तू तो कुछ बोली मत पंजाब के पुत्र, तेरे सेंटीमेंट काम नहीं आने वाले। चलता हूँ। रुक रुक रुक, ये देख क्या है? क्या ये? ये तो पृथ्वीराज है ना? हाँ पृथ्वीराज ही है। बिल्कुल नहीं, ये तो मैं हूँ। अच्छा तू है? पक्का ना? अबे येड़े कही के, क्या भाई? तूने हर कैमरे का डेटा इरेज कर दिया था। सेबेस्टियन के बंगले के बाहर के कैमरे पर तेरा ध्यान नहीं गया ना, उसमें तेरा हर कारनामा साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ साफ साफ तो दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या करे, इसे यूट्यूब में अपलोड करूँ या फेसबुक में अपलोड करूँ? पानी में फेंक देते ना। यूट्यूब वगैरह पे नहीं डालते हैं, एक काम करते हैं सीधे सीधे अपनी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं। वैसा करते हैं, सही है। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस केस होगा, मीडिया में चर्चा होगी, उसके बाद कोर्ट केस, जज फैसला करेंगे इसका। क्यों? यहाँ के पंचायत के जितने भी केसेस हैं सारे तेरे सिर पे आ जाएंगे। सारी उम्र जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा बेटा। ब्रदर्स अनजाने में ऐसा हो गया था, हाथी खरीद लिया था जिसकी वजह से पैसों की कमी पड़ गई थी, इसलिए चोरी करनी पड़ी। अब इसकी वजह से मेरी इज्जत मत उछालो। शादी की उम्र होने के बावजूद भी मेरी शादी नहीं हो पा रही है, ये भी क्या कोई कम सजा है? सुन, सजा के बारे में हम बाद में देखेंगे। हैप्पी और मेरी की शादी होने तक तुझे हमारे साथ रहना होगा। रहूंगा ना, फुल टाइम रहूंगा। आप लोग जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। सुन, आगे से हम लोग जैसा बोलते हैं ना तुझे बिल्कुल वैसा ही करना होगा। जो बोलोगे मैं सब करूंगा। ओके तो फिर जाऊं? बाप रे, अभी कहां जा रहा है भाई? नहीं मैं वो अपना बैग सामान यार सब... तू बैग लाने जाएगा तो हमारा बॉल लाके कौन देगा बताना? पर वो बॉल तो नदी में चला गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जाना कर ले। चल अब एक डायल मार और लेकर आ। चल जा 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 जा, बॉल लेके आ। जा 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 जा। गुरुजी हम पानी में से बॉल कैसे लाएंगे? बॉल नदी के अंदर चला गया है और अब दिखाता हूँ कैसे निकलते हैं। तू पलट कर मत देखना। चलो निकल लेते हैं। पलट कर मत देखना, पलट कर मत देखना। रीटा जी क्या है कि यहाँ के अपने बिरादरी के लोग ने जोय को याद किया है, प्रतियोगिता का ऐलान हो गया है। चले। ये कौन है? ये है हैप्पी। हैप्पी? दामाद है, मेरे से शादी हो रही है। फादर क्या हुआ, आपको हिचकी आ गई क्या? क्या हुआ फादर? कुछ नहीं। तो फिर यही सरदार जी हैं क्या जो अपना धर्म बदलकर कृष्ण बनना चाहते हैं? वैसे ये बताओ कि प्यार करने के लिए तुम्हें कृष्ण लड़की ही मिली क्या? आपस में प्यार बांटने के लिए तो जीसस ने कहा है ना। हम लोग जीसस के पहले के बिरादरी के लोग हैं, हम परंपरा के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाते। समझ में आया? एक पक्षी को मेढक से प्यार हो सकता है लेकिन वो एक साथ होकर घर कैसे बना सकते हैं? उनके लिए भी तो अलग से तालाब में घर बनाया जा सकता है ना। साहब
तुम्हारे लिए वहाँ झाड़ू मारना ही ठीक है। दुनिया बदल रही है फादर। तो क्या है कि पहले मैंने क्रिश्चियनिटी धर्म ना बदलकर शादी करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि धर्म का अहमियत क्या होता है, इसलिए मैंने इस चर्च में शादी करने का फैसला लिया। सिर्फ आपका आशीर्वाद और आपकी प्रार्थना, बस इतनी मेरी मांग है। ए, रुको। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ फादर। रीटा ने सारे मामले के बारे में बताया। तुम्हारे इस झूठ के आंसू को देखकर तो कभी नहीं। हाँ, जॉय का नाम यहाँ बहुत अच्छा, उसने समाज के लिए बहुत किया है, इसीलिए मैं तुम्हारा इस नाटक में साथ दूंगा। और वैसे तुम्हारे घर में जो पंजाबी रस्म होने वाली है उसको अगर मैं जॉय को नहीं बताऊँ तो पता नहीं चलेगा। ओके। शनिवार की सुबह कैथलिक रीति रिवाजों की सभी रस्में पूरी हो जाएंगी। उसके बाद उसी रात को हम चंदन लगाने की रस्म पूरी करेंगे, चलेगा ना? ओके ओके फादर। लेकिन सोमवार को वेद पाठ पूजा पाठ करने के बाद सबके सामने एक सच्चा कृष्ण बनकर यहाँ आना होगा। ओके ओके। हाँ तो फिर जाओ और सबको बता दो। वैसे पंजाबी में इसको क्या कहते हैं? शादी में आना, शादी में आना। अगर आपको समझ में नहीं आया? नहीं। जब शादी करते हैं तो शादी से पहले हम बरामदे में करते हैं ना, शामियाना। अरे शामियाना नहीं, शादी में आना। शादी में हाथी पर बैठकर आना। जैसे समझाया था वैसे। अरे ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे वीडियो को वायरल कर देंगे। करते करते जल्दी करना। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं मारना कहीं और चाहता था पर गलती से इनको लग गया, मैं सच में लग गया वो। अरे अरे चलो चलो चलो। ये क्या हो गया? एक MRI और एक CT स्कैन, इतना निकाला तो काफी है। मैं क्या पूछ रहा था, सर पे ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? उनकी याददाश्त सही है ना? हमें भूल तो नहीं गए? तो फिर मेरी बेटी की सगाई की रस्म, मुझे आज ही जाना होगा। ज्यादा टेंशन मत लो, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो कल इनकी बॉडी लेकर जानी पड़ेगी, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। डेड बॉडी? पापा, हमारे गांव में एक बंदे के सर पे चोट लगी थी और वो वहीं पे मर गया था, उसका सर दो टुकड़ा हो गया था और उसका जीभ भी बाहर ऐसे हिल रहा था। पापड़ की तरह कुचल गया। सर पर लगी चोट खतरनाक होती है। एक सफर है सुहाना। यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई मरने पड़े और तुझे गाना सोच रहा है, पीछे भाग। हमें नहीं कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाए। हम किसी और हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, इसमें फालतू में एम्बुलेंस का खर्चा वर्चा बढ़ जाएगा, है ना? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ गया ना? सुनो, सबको यहाँ से जाने के लिए कहो। बच्चों तुम लोग जाओ, मैं यहाँ रुकूंगी। यहाँ बस काकू रहेगा। हाँ काकू रुक जाएगा, ठीक है जाएगा। किसी और को भी यहाँ रोक लो ना। नहीं हा? तेरी सर्विस के चक्कर में ही मेरी ये हालत हुई है, अब अपनी सर्विस यहाँ भी दे दे। देख ज्यादा तंग मत करना, अच्छे से सेवा करना। मैंने पहले ही कहा था बॉल के खेल में रिस्क चलता हूँ। सगाई में न जाने की वजह से आपको बुरा लग रहा होगा ना? मेरी कितनी इच्छा थी लेकिन अपनी बेटी की सगाई में नहीं जा पा रहा। एक रास्ता है, हम वहाँ फोन करके किसी को हाल पूछे क्या? अरे इकबाल को वीडियो कॉल करते हैं ना। हेलो हाय, इंद्रपाल कहाँ है जरा उसे पूछो तो। हेलो अबूजान, अबूजान बाय 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 बाय। चलो 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 चलो। मुझे डर लग रहा है। ये मेरी ग्रैंड मदर का है, ग्रैंड मदर ने माँ को दिया था और माँ ने इसे तुम्हें देने के लिए कहा है। तो पहनाओ। AC बस नहीं मिला, सादा बस बुक कर दूं?
What? ओए, कल आने वाले लोग कोई आपा उपा मडलू लोग नहीं है, सारे के सारे VIP हैं। I don't care from where AC bus का इंतजाम कर। They should know Inderpal Singh's son is getting married, ओए, not some आपा उपा मडलू टाइप। उन रस्मों में अगर मैं शामिल होता तब मेरे मन को शांति मिलती। अब आगे जो रस्में हैं उनकी तैयारी हो गई है ना? उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा दामाद है ना, उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया है। और क्या चाहिए? हाँ, मुझे बुरा लगा तुम अपनी बेटी की सगाई में नहीं थे। वैसे इनका डिस्चार्ज कब हो रहा है? डिस्चार्ज वगैरह हो गया है, अब बिल आना बाकी है। ओके ठीक है। तुम्हें लगा क्या? लगा पूछ रहा, इंजेक्शन लगा है यहाँ। ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ, पूरा पंचर हो गया लगता है। सुनो, मुझे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। छोड़। क्या बात है? कुछ नहीं पापा, हमने आपके बिना ये रस्म पूरी नहीं की इसीलिए। अरे घबराओ मत, मैं हूँ ना, रस्म मिलकर पूरी करेंगे। हम आपके डिस्चार्ज के बारे में पूछते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। मम्मा चुप रहना। सिख लिबास दे पंज ककार होंदे, कड़ा किरपान कछेरा गंगा गंगा, और में सबसे इम्पोर्टेंट होंदा है केश। गॉट इट? जी बाबा। गुड। वेल एनीवन से शी इज नॉट अ सरदारनी? क्या बात है, बड़ी सोनी लग रही है बेटा, जुग जुग जी। पापा आपको अभी आने की जरूरत नहीं है, हम लोग लेने आएंगे, वहाँ फोटोशूट भी है। चले। जीते रहो जीते रहो। कितने अच्छे से इन्होंने सारी रस्में निभाई हैं, शादी इनके मुताबिक करेंगे प्लीज। उनके हिसाब से अगर हम शादी करेंगे ना तो उनकी नजरों में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। जल्दी चलो, अगले फैंसी ड्रेस के लिए टाइम हो गया। तुम ऐसे क्यों मुझे देख रही हो, हमें और एक टीम को भी संभालना है। इस तरह फैमिली को धोखा देकर तुम्हें अच्छा लग रहा है हैप्पी? तुम इस बात की चिंता मत करो, बस थोड़े दिन की बात है, अब बस पापा को संभालना है। हैप्पी तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? सब लोगों की सहमति के साथ ये शादी नहीं होगी, दैट इज माई प्रॉमिस। इस शादी को सफल बनाने के लिए मैं बहुत परेशानियां झेल रहा हूँ, अब सुबह होते होते सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। ढोल नगाड़े बाजे बाजे शहनाइयां, ढोल नगाड़े बाजे बाजे शहनाइयां, दिल कहे दिलदार मिला है, दिल कहे दिलदार मिला है, प्यार मिला है देखो यार मिला है, प्यार मिला है देखो यार मिला है, यारों का प्यार बड़ा सच्चा है, आज देखो अरमान खिले हैं, एक दूजे से हम सब जो मिले हैं, एक दूजे से हम सब जो मिले हैं, ढोल नगाड़े बाजे बाजे शहनाइयां, ढोल नगाड़े बाजे बाजे शहनाइयां, इठलाती शोक हवाएं भी गाएं, इठलाती शोक हवाएं, आसमानों पे ये जोड़ी बनी है, आसमानों पे ये जोड़ी बनाई, शोक बहारों में महके नजारों में, बाग में ऐसा गुलाब नहीं, शोक बहारों में के नजारों में, बाग में ऐसा गुलाब नहीं, कुत्ते जेहा रंग तेरा वेख सानू हो गया, असी जेहा तेरे। यहाँ पर आए हुए बिरादरी के सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, लड़के का नाम क्या है? हैप्पी सिंह। क्या? हैप्पी थॉमस, सुन लिया ना सबने? हाँ ठीक है ठीक है।
ठाकुर जी, मेरी मेरी जान है, मेरी से शादी करना ही मेरी ख्वाहिश है ससुर जी, लेकिन शादी के खातिर मैं धर्म नहीं बदल सकता। चाहे कुछ भी हो, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिएगा ससुर जी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आराम से। क्या कर रहे हो? सरदारों के नाम पे कलंक। बेटा, तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे बेवकूफ बना के इसको क्रिश्चियन बना दोगे? बहुत हो गया, तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। I agreed to this wedding only on one condition. It would be a sardar shadi. बस करो। सरदार शादी? मेरी बेटी से शादी करनी है, क्रिश्चियन बन जाऊंगा, ये कहकर मेरे पीछे जो आया वो तुम्हारा लड़का था। तुम कहते हो सरदार शादी? पापा प्लीज। तुम बंद करो। बंदूक केरल में भी है सरदार जी, बंदूक दिखाकर डराओ मत। अरे कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, चारों तरफ हमारे आदमी फैले हुए हैं। अम्मी और शरफ, उन दोनों हरामियों को हमने मार दिया है, और इस सब के जिम्मेवार तेरे बेटे हैप्पी को अब हम यही खत्म करेंगे। जोस ब्रदर्स, पकड़ो इस हरामजादे को, मारो इसे। हम किसी से कम नहीं, रोटी कपड़ा और मकान, सावन को आने दो। क्या? माना कि तुमने हमें सुपारी दी थी, मैंने मान लिया, लेकिन ये लड़का, ये हमारा खून है। अरे बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया, ये हमारी बहन है। तुम सारे यहाँ कैसे? तुम्हें देखे हुए कितने साल हो गए। ये मेरा बेटा है। तुमने क्या सोच रखा है? जैसे तुमने कहा था, कोई रहम किए बिना हम लोग तुम्हारी बेटी का कत्ल कर देंगे। ये पंजाब नहीं है, केरला है, कोने कोने में खून बहता है। मामा जी, सही बोला। क्या हुआ भांजे? लगता है जोगिंदर आ चुका है, उसके आने से पहले शरद और पम्मी को कहीं छुपा दो। अरे हम लोग हैप्पी के मामा हैं। तुम लोगों को सेफ जगह में शिफ्ट करने के लिए हैप्पी ने हमसे कहा है, डरो मत। ऐसे ही बैकवाटर्स की तरह घूम के आओ यार, दो तीन दिन। अरे सुनो, उन बच्चों को यहाँ लाओ। हम सारी दुश्मनी को भुला चुके हैं, अब आप भी भूल जाइए। आप माने नहीं ना, इसीलिए मैं बहुत सारे झोल करने पड़े ये शादी करवाने के लिए। इसके कहने पर ही हम लोग शादी में आए हैं, और हमारा भांजा अपना धर्म भी बदल रहा है। धर्म बदल रहा है? अरे क्या हुआ, गुस्सा हो गए क्या? पता नहीं। आओ। सुनो, ये मेरा भाई है, डॉक्टर टोनी जोसेफ। जो भाई तो अच्छी तरह से जानते हैं। हेलो अमोल। अच्छा मामा जी, मेरी के पिताजी को वहाँ एडमिट करने वाले हैं, सगाई की रस्म पूरी होने तक कैसे भी करके उन्हें वहीं पर रखिएगा। मैं सब संभाल लूंगा। हटा यहाँ से। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, ऐसे धोखा देकर इस तरह की शादी की रस्म में भला कौन कमबख्त निभाता है? निकल जाओ यहाँ से सब, दफा हो जाओ। ओए तेरी ता, हट जा तू बीच में से। शरद, अरे
है, आप कुछ गया कहाँ था? अरे बाप रे, ये क्या हो गया है? अरे हाथी के मालिक को बुलाओ, कोई रोको इसे। अरे भागो भागो, तू जाकर बेहोश करने वाली घर लेकर आ, ठीक है? मैं तुझे घर पर मिलता हूँ, जल्दी भाग। ईश्वर मेरी नाव। जोगदा चाचा, अरे ओके, धीरे धीरे, आराम से। मेरा सर। या, बस यहाँ पे बैठ जाइए, स्लोली स्लोली, केयरफुल केयरफुल। वाहे गुरु की कृपा से हम बच गए। अगर जानवर बहक गया तो उसे संभाल सकते हैं, लेकिन यहां तो सारे इंसान बहक गए। जोगिंदर चाचा, आप मम्मी के दुश्मन कब से बन गए? हाउ कैन यू किल योर ओन डॉटर? वो मेरी बेटी नहीं है, उसने मेरे और मेरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इज्जत? ये इज्जत का सवाल नहीं है, ये बेइज्जती का सवाल है। सही है, बिना किसी को बताए पम्मी को इतने दूर तक भागा के लेके आना गलत था। सबको धोखा देकर इस तरह की शादी करना बहुत बड़ा गलती है। सब कुछ हो जाने के बाद आप सबके पैर पे गिर के माफी मांगूंगा ये सोचा था, लेकिन हम सबने ऐसा क्यों किया किसी ने समझने की कोशिश की? बच्चे जो भी मांगते हैं उसे देने के लिए माँ बाप हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आखिर बच्चे क्या चाहते हैं ये जानना भी तो जरूरी है ना। आप दोनों परिवारों की खुशी के खातिर इसके बीच हमारा सपना टूट रहा है। बाबा, बाबा हमारे पास सब कुछ है बाबा, सिवाय खुशियों के। बाबा वो शरत मुझे देता है बाबा, प्लीज अंडरस्टैंड अस, प्लीज बाबा प्लीज। जोगिंदर पाजी, पंजाब की ताकत ऑनर किलिंग में नहीं, पंजाब की ताकत दिलों में, रिश्तों में और माफ करने में। सरदार जी, आपके पंजाब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ केरल में हमारे कोठे पर आकर जो भी दंगा फसाद करता है उसको उम्मीद जताकर विश्वास दिलाने का पाठ हम नहीं पढ़ाते हैं। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो बाबा, प्लीज माफ कर दीजिए ना चाचा, माफ कर दो, माफ कर दो। मम्मी, मुझे यकीन नहीं होता, वो बच्चा पम्मी को बहुत चाहता था। मुझे माफ कर दो बेटा, ये पम्मी ने आपको देने के लिए कहा था। उसे मुझसे नहीं,
मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप में से पम्मी का फादर कौन है? घाव कुछ ज्यादा बड़ा है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, 48 आवर्स तक पेशेंट के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, आप में से कोई भी उन्हें देख सकता है। चल पुत्र। मेरी, मैं चलती हूं हैप्पी, किसी को बताए बिना नहीं जाऊंगी, मैं सुबह ही चली जाऊंगी। मुझे लगता था कि शादी ऐसी चीज है जो किसी की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां ले आती है हैप्पी, लेकिन हमारी शादी में आज तक सिर्फ परेशानियां ही आती रही है। मेरी, हम हमारे घर वालों को और एक बार कोशिश करते समझाने की। कोई फायदा नहीं, अब क्या उनके पास जाकर हम अपनी हालत बताएंगे हैप्पी? हमारी वजह से हमारे परिवार के बीच की ये खुशियां सब खत्म हो जाएगी हैप्पी। तुमने देखा उस बच्चे के दिल में कितनी नफरत थी, हम चाह कर भी उसे नहीं बदल सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना, ये शादी नहीं हो सकती। मैं यहीं खड़ा हूं, तुम जाओ। बच्चे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, अगर हम उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे तो जिंदगी का क्या मकसद हुआ? ये शादी ना होने से मुझे भी बहुत चोट पहुंची है। हैप्पी से मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, पर वो मेरे बेटे जैसा बन गया। वो जहां भी रहे खुश रहे। चलती हूँ। कहाँ है हैप्पी? तुम्हें एक और बार कोशिश करनी चाहिए थी ना, उसने तेरे सामने अलग होने की बात की और तूने रोकने की कोशिश भी नहीं की। अरे हमारी जिंदगी में हार जीत का फैसला हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। एक सरदार होने की वजह से मेरी के घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। पापा को मना लेने के बाद भी ये मेरी बड़ी हार होगी। ठीक है, ये सब तू छोड़, लेकिन इस गांव में तेरा एक और काम अधूरा रह गया। फादर, एक और परेशानी। क्या बात है? जोय भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा है। ऐसा है क्या? हाँ? ये कब हुआ? इसकी तो फट गई। Ah!
बी है बी। वो हमारे दुश्मन की नाव के लोग हैं। अगर वो सुन लेंगे तो हमें बचा डालेंगे। किसने कहा? वो भी अपनी बिरादरी के लोग ही हैं। अब कोई अच्छा काम हो रहा है तो उनका साथ देना चाहिए हमें। तुम जाओ अपना काम करो। अब मैं चलता हूं, यहां का काम मेरा पूरा हुआ। पापा, मेरा काम हो गया पापा। शाबाश बेटा, I'm proud of you। रुको रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट आ जाओ, रुको एक मिनट, साइड। अबू जान, एक मिनट, आपसे एक बात कहना था। ससुर जी, हम तीनों मिलकर आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अपनी नाराजगी को भुला दीजिए और उसे घर में बुलाइए, उसका स्वागत कीजिए। सोफी, इधर आना, आओ। जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही मैं इसे एक तोहफा देना चाहता हूँ, और जो मैं इसे दे सकता हूँ ये इसके लिए बहुत कीमती तोहफा। अपनी बेटी इस लड़के को दे दो। सुनाई नहीं दिया। बेटी की शादी इस लड़के से करा दू। सुनाई नहीं दिया। अपनी बेटी मैरी को हैप्पी को सौंप दू। दे दीजिए। नहीं, लड़की को देने की जरूरत नहीं है। हैप्पी पुत्र कुड़ी नू ऐते उठा के ले आ। Are you okay, baby?